यस 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 यार, चलो सब बढ़िया एकदम, चलो ठीक ठीक ठीक, पीछे सब ठीक है, यहाँ पे दोनों बहुत सुंदर लग रहे हो। आज आप अलग क्यों लग रहे हो रॉबिन, पहनो एक बार। हाँ हाँ, नहीं नहीं, उतार लो उतार लो, ठीक ठीक ठीक, यस नो प्रॉब्लम, यस मौसम मजे में मजे में मजे में मजे में मजे में मजे में मजे में। चल यार चलो पढ़ाई करेंगे हम लोग, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा डिस्कशन। तो मैंने शुरुआत में बोला था कि मैं कोशिश करूंगा कि जब जब संभव होगा किसी ना किसी व्यक्ति को बुलाता रहूंगा। सो नाउ देयर इज वन परेशानी जनरली जो बच्चे बहुत कॉमनली फेस करते हैं, दैट इज आर्टिकलशिप को लेके। तो आर्टिकलशिप को लेके जनरली डाउट क्या होता है, ढूंढने कैसे कि हमें काम करना है, कंपनी को काम भी कराना है, कैसे, यहाँ तो कुछ है नहीं ना shaadi.com जैसा, जैसे दोनों लोग आ जाएंगे वहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे। तो एक बड़ी सी परेशानी होती है दैट एज टू हाउ टू स्टार्ट आर्टिकलशिप, हाउ टू फाइंड आर्टिकलशिप, आर्टिकलशिप में क्या होता है, कैसे होता है, काम क्या करना होता है, कितना काम कराते हैं, शनिवार को छुट्टी देते हैं क्या, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे दिमाग में। तो जनरली काफ़ी कठिन हो जाता है इन सवालों का जवाब लेना, क्योंकि हमारे आसपास सब वही लोग होते हैं ना जो पढ़ रहे हैं इस कारण से। सो हमारे एक बबहुत प्यारे से स्टूडेंट हैं निनाद, तो he had cleared his professionals in June 2022, and उसके बाद में he had started his articleship। तो जो आप लोगों ने संघर्ष करोगे, ठीक है ना, आप लोग अपने examination दोगे, उसके बाद में जो संघर्ष करोगे, that he has already done, then हर एक step के पहले कैसे ढूंढना है, कहाँ पे articleship, उसके बाद में he joined Wipro, then Wipro asked him कि अगर आपको join करना है तो आपको you have to come to Bangalore, then he has shifted to Bangalore, ये basically पुणे के हैं, then he has shifted to Bangalore, and thereafter Bangalore से he is working, it's been around 6 months now, he's working there, he's got nice exposure of the work as well। तो दो पार्ट में आज के डिस्कशन को डिवाइड करेंगे, एक बढ़िया सा क्रिस्प ऐसा 15-20 मिनट का एक प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड ऐसे करेंगे। पहला पार्ट रहेगा कि आर्टिकलशिप मिली कैसे इन अ लिस्टेड कंपनी, एंड ऐसा कि निनाद क्लियर्ड हिज प्रोफेशनल्स इन हिज सेकंड गो, ऐसा। तो एक और मिथ रहता है कि रैंक हो तो ही मिलती है हमको ऐसे लिस्टेड कंपनी वगैरह, तो ये एक जबरदस्त मिथ है। सो डिस्पाइट ऑफ दैट गेटिंग अ लिस्टेड कंपनी, तो वॉट वॉज द प्रोसेस दैट ही हैड फॉलोड। तो फर्स्ट पार्ट हमारा डिस्कशन क्या रखेगा कि आर्टिकलशिप ढूंढते समय कैसे रहता है, तो हाउ टू फाइंड आर्टिकलशिप, उसके टाइम पे कंपनी फर्म का झगड़ा रहता है, क्या हम पुणे से कर सकते हैं या फिर हम एक थोड़ा सा किसी टीयर टू सिटी से कर सकते हैं या फिर कंपल्शन है हमें बाहर जाना ही पड़ेगा, तो ऐसे बहुत सारे डाउट रहते हैं दिमाग में। उसके बाद में भी ज्वाइन करते टाइम किन किन चीज़ों को हमें देखना चाहिए, अब क्या है हम दो कंपनीज के अंदर या दो फॉर्म्स में कंपेयर भी कर रहे हैं, तो किन चीज़ों को देखना चाहिए वाइल ज्वाइनिंग आर्टिकलशिप, कैसे ज्वाइन करनी, ढूंढनी है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन कर लेंगे। आई थिंक आपका इंटरेस्ट इसी तरफ रहेगा क्योंकि ढूंढनी है हमको। सेकंड पार्ट ऑफ डिस्कशन ये रहता है कि लिस्टेड कंपनी में आखिर काम क्या रहता है, मतलब करना क्या जीवन में हमको, पता तो चले कि हम सुबह तैयार होकर ऑफिस चले जाएंगे बट फिर क्या, तो यू विल गेट अ फेयर आइडिया सेकंड हाफ में वो डिस्कशन में रखेंगे। वो आपके लिए इमीडिएट इंटरेस्ट का नहीं है बट एटलीस्ट आई थिंक दैट एक्साइट्स अ स्टूडेंट कि आखिर करना क्या हमको, क्या प्रॉब्लम आती है, क्या परेशानी फेस करते हैं वगैरह। तो यू वॉज टेलिंग मी समथिंग विच आई ऑल्सो गॉट टू नो आज ही बात करते समय कि एक फ्लिपिंग होती है, मतलब डिपार्टमेंट्स के अंदर इन एवरी 11 मंथ और 12 मंथ्स ऐसा कुछ 12 मंथ्स दे फ्लिप कि आपका डिपार्टमेंट चेंज करते हैं। तो दैट इज समथिंग जो मुझे भी आज पता चला। तो इट इज़ जस्ट कैसे कुछ चीज़ें पता चलती हैं और कैसे आप कनेक्ट करते हैं जो अभी आप पढ़ते हैं उसको रियल लाइफ में, ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को लेकर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। आप लोग अपने दिलों दिमाग में जो सवाल हैं वो भी रख सकते हैं, पहले शुरुआत में सवाल मैं पूछ लूंगा क्योंकि मुझे पता है ना क्या पूछना है तब तक आप सोच लो, आपके दिमाग में कोई डाउट आते हैं तो फिर आप वो पूछ लीजिएगा, ठीक है यार। तो सबसे पहले तो आई थिंक निनाद सबसे पहले तो थैंक यू यार, है ना, फॉर कमिंग हियर, बच्चों को इतना सारा प्रेम देने के लिए जो आप दोगे, ठीक है उसके लिए। एंड फर्स्ट आई थिंक डिस्कशन को यहीं से शुरू करते हैं यार, कि हमने एग्जाम दे दिए, उसके बाद क्या, एग्जाम दे दिए उसके बाद में रिजल्ट आता है 2 महीने बाद, सबसे पहला सवाल आता है उस बीच क्या कर सकते हैं, क्योंकि ईडीपी भी मतलब ईडीपी अगर उस समय मिल गया तो बेस्ट है, और ईडीपी के अलावा क्या, ईडीपी 15 डेज में हो जाता है, बट अपार्ट फ्रॉम ईडीपी व्हाट कैन वी डू इन दोस थ्रू 2 मंथ्स, उसके बाद में रिजल्ट आ गया उसके बाद में क्या। तो आर्टिकलशिप के दिशा में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या पहला स्टेप होता है वेल फाइंडिंग आर्टिकलशिप, तो यहाँ से शुरू करते हैं। सर जी आप बैठो बैठो कंफर्टेबली रहो एकदम अपनी बच्चे, मस्ती में रहो और अच्छे डाउट पूछना बात, ठीक है, यस सर प्लीज। ओके, हेलो एवरीवन, माय सेल्फ निनाद, एंड इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेजेस आर कंफर्टेबल, राइट? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, श्योर। थोड़ा सा बीच बीच में ह्यूमरस भी रखेंगे क्योंकि पता है क्लास में 1.5-2 घंटा रोज ही बैठ रहे हैं तो थोड़ा सा ह्यूमरस रखेंगे। फर्स्ट थिंग, 2-3 मिनट थोड़ा सा फिलोसॉफिकल जाएंगे, बाद में काम की बातों पे आएंगे। सी, फर्स्ट थिंग, दिस जर्नी इज होल ऑफ चांसेस, ये कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, पर इंसान है एट अ टाइम एक ही चीज़ कर सकते हैं। You have to take chances. There will be probabilities. There would be many failures. You and patience is tested at each level. So,
हो सकता है पेशेंस हो ना हो, बट ओवर द जर्नी इट विल गेट डेवलप्ड. वो आपका टेस्ट करेगा और शुरुआत इंस्टीट्यूट ही करता है, खुद के घर से ही चालू करता है वो पेशेंस टेस्ट करना. RTI अब आ चुका है जिसके कारण यू गेट मार्कशीट्स. इवन आफ्टर सीइंग मार्कशीट्स समटाइम्स यू फील दिस वॉज करेक्ट, दिस वॉज अप टू द मार्क. आपके आंसर्स दिस कैन बी सीन सम डेरोगेटरी और समथिंग लाइक दैट, बट जो सजेस्टेड आंसर्स होते हैं उससे भी मैच हो जाता है. यू स्टिल फील दैट आई हैवंट स्कोर्ड इन दैट पार्ट, और आई वुड हैव स्कोर्ड, आई वुड हैव क्लियर्ड द पार्ट. और एट अ टाइम वी सजेस्ट और एनीवन सजेस्ट दैट गिव 3 ग्रुप्स इन व्हेन यू आर इन प्रोफेशनल स्टेज और समथिंग लाइक दैट. एग्जाम देने के बाद ऑनेस्टली लगता है कुछ तो निकल जाए, कुछ तो होप रहे कुछ नहीं तो धीरे 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 भी डाउनग्रेड अवर लेवल आफ्टर गिविंग टिल द थर्ड ग्रुप. वी आर लाइक एक तो दे दो यार एक दो तो दे ही दो, कुछ नहीं तो एग्जामेशन ही दे दो. टिल फिफ्थ वी आर लाइक दो पेपर दे दो मान जाऊंगा मैं कि प्रोफेशनल कर सकता हूँ. बट इट टेस्टेस योर पेशेंस. एंड उसके बाद या दिस वॉज अ बिट द फिलोसॉफिकल पार्ट वी वॉज टॉकिंग अबाउट. आर्टिकलशिप में एवरीबडी हैज देयर अटेम्प्ट इन डिसम्बर और डिसम्बर. ओके गुड गुड. सो दो चीज़ें बहुत टेक्निकल है बट इट मैटर्स. इन डिसम्बर यू हैव एग्जाम्स इन लास्ट वीक एंड रिजल्ट्स कम इन आई गेस Feb 25 विच इज़ द प्रपोज डेट. उस टाइम के रिजल्ट के टाइम पीरियड में एंड द टाइम पीरियड इन विच जून में रिजल्ट डिक्लेयर होता है इट इज़ अ बिट डिफरेंट. इफ़ यू गो ऑन सम टेक्निकल ग्राउंड्स जून में फर्स्ट वीक में एग्जाम होता है बट डिसम्बर में लास्ट वीक में एग्जाम होता है. स्टिल इन जून अटेम्प्ट इट इज़ ऑन 25th August, इन डिसम्बर इट इज़ Feb 25. A bit shorter period to try and explore things compared to June. June वालों को 20 दिन ज़्यादा मिलते हैं ऑन पेपर अगर देखा जाए तो. 30-31 के अराउंड वी गेट आर पेपर्स ख़त्म हो जाते हैं सारे. आफ्टर दैट टू थिंग्स एज वी सेट बिफोर ट्रेनिंग यू नीड EDP टू कम्प्लीट. एंड सिंपल इज दैट वाइल अप्लाइंग ट्रेनिंग दे आस्क यू द EDP सर्टिफिकेट्स. सो इधर उधर उसका कुछ लूप होल नहीं है, यू डोंट हैव एनीथिंग. हाफ पार्ट इज स्टिल ऑनलाइन पार्ट विच वी टेक एंड हाफ पार्ट इज either it is a physical or they take it online but it is from home only. You can attend that. Abhi tak wo practice chal rahi hai from ICSI. That in some chapter office or regional office they are still taking the physical EDP also in online mode. So kisi ko agar travel karna ya nahi hai, Mumbai mein hai, kahi aur mein, Jaipur mein hai, Chennai mein hai, you can take that. To Stimulate portal pe wo likhte hain that physical mode or but it is in online. Zoom sessions pe usually they prefer to take that. This one part. एक बार 10 दिन हो जाए आप कुछ नहीं करोगे एंड फ्रेंकली डोंट डू ऑल्सो, क्योंकि आफ्टर एग्जाम्स यू हैव दिस फीलिंग दैट समथिंग यू हैव डन और अचीव्ड आफ्टर अ बिट पार्ट ऑफ टाइम. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स पक्का होंगे जो इमीडिएटली सेकेंड या थर्ड डे ही पढ़ाई चालू कर देंगे, EDP का ढूंढना चालू कर देंगे, ये चाहिए वो चाहिए, मैं एक महीने का डिप्लोमा कर लेता हूँ. सो रिमेंबर द फर्स्ट थिंग एट इट इज़ ऑलवेज द गेम एंड द जर्नी ऑफ चांसेस. आपको हर मोमेंट पे हर स्टेप पे लगता रहेगा कि आप किसी से तो पीछे हैं और आप रहेंगे, ये हमेशा रहेगा. यू हैव टू बी देयर. सो यू हैव टू बी पेशेंट. अगर किसी ने वो क्लास कर भी लिया, वो बाद में एंजॉय कर रहे हैं, आप पहले एंजॉय कर रहे हैं, यू हैव टू बी सैटिस्फाइड ऑन व्हाट यू आर डूइंग. एग्जाम के बाद एज अ स्टूडेंट आई हैव बीन देयर, आपको पता चल जाता है आफ्टर गिविंग द पेपर देयर वर सम पार्ट्स जो पढ़ाया गया था, मार्क भी करवाया गया था और वो आया पेपर में पर हमने नहीं लिखा. होता है, बहुत बार होगा. इवन फॉर द पार्ट्स यू हैव स्टडीड, यू हैव बीन देयर. सो गिल्ट एक पार्ट होता है कि जब आपको पता है कि आपने परफॉर्म नहीं किया पता हो कि भी. दूसरा पार्ट होता है आपके आंसर्स मैच हो गए स्टिल यू हैव नॉट. सेकेंड पार्ट गिव्स यू द मोटिवेशन और द पुश टू गो अहेड. फर्स्ट पार्ट में रहेगा. देखो ऐसा तो नहीं होगा कि 100 जितना पेपर दिया विद ऑप्शंस आपको आ रहा है, ये तो होगा ही नहीं. और ओपन बुक में तो कतई नहीं होता, तो आप जो ओपन बुक में उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं होता. ओपन बुक में ICSI चैलेंज करता है, बुक दे रहा हूँ तू ढूंढ के दिखा दे, मैं मान जाऊँगा क्या पूछा है मैंने, आगे फिर तुम जानो. दैट पार्ट इज देयर. इट इज़ ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. ऐसा भी होगा कि रिजल्ट लगने तक आपको EDP नहीं मिला और बहुत आपके साथ जो बैच में थे उनको EDP मिल गए, क्योंकि EDP हैज़ अ बैच, इट हैज़ अ कैपेसिटी, इट इज़ ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस. द मोमेंट इट गेट्स फुल द स्टिमुलेट पोर्टल पे इट गेट्स रिमूव्ड और इट गेट्स ब्लॉक्ड. इवन इफ यू कॉल द फ्रैंकली टेल यू सर बैच फुल हो गया, 3 महीने में अगला बैच आएगा. बट इन केस यू हैव पास्ड, नाउ फॉर 3 मंथ्स यू हैव टू स्टक देयर बिकॉज EDP इज नॉट क्लियर एंड फॉर अप्लाइंग ट्रेनिंग यू नीड EDP. पेशेंस टेस्ट होगा, बहुत लोग आगे जाएंगे, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. कभी ना कभी कोई ना कोई हमेशा आगे जाते रहेगा. इतने बड़े आबादी का देश है, कितनों से कम्पीट करोगे. यू हैव टू बी देयर. सेकेंड थिंग, व्हेन द पार्ट कम्स टू सर्चिंग, नाउ आई हैड
फॉलोड टू अप्रोचेस. फर्स्ट वन इज हमारे कर्ता धर्ता MCA से इनके ईमेल IDs लो और यू हैव टू टेक. सो देर इज 90-95% प्रोबेबिलिटी दैट द ईमेल ID गिवन व्हेन यू सर्च इन द मास्टर डेटा ऑफ अ कंपनी इट इज हैंडल्ड बाय और आइदर द सेक्रेटरियल टीम्स ईमेल ID. इन सर्टन केसेज यू विल फाइंड दो ईमेल IDs आर इन्वेस्टर्स @ इन्वेस्टर रिलेशन @ समथिंग बिकॉज दैट इज फॉर द मास्टर डेटा इज ओपन फॉर एवरी वन. सो सम माइट थिंक दैट कॉर्प सेक्रेटरियल को मैं क्या लिखूँ या विच इज दिस टीम आई एम एन इन्वेस्टर ऑन अ शेयर होल्डर और सम वन अदर पर्सन हु वॉन्ट्स टू कॉन्टैक्ट अ पर्सन इन जनरल स्टिल यू कैन सेंड दैम. When I applied for Wipro, I had taken these email IDs from around 50-60 companies. First, I started with which are these companies. So my a bit inclination was in corporate world rather than firms. So I started searching from this. LinkedIn ko aap Wipro Limited ya whatever company you want and you filter it by applying people. You will get all those people. Aur LinkedIn, aapko pata hai, wo aap pe bhi nazar rakhta hai. Aapne profile mein likha hoga, you are ICSI, working in ICSI, studying from ICSI, in commerce field. वो फिल्टर करके पहले वही दिखाता है. दैट इज समहाउ यू हैव टू यूज दे आर यूजिंग अस वी हैव टू ऑल्सो यूज देम प्रॉपरली. तो आपको वही दिखाएंगे पहले लोग ऑन हाउ यू आर अप्रोचिंग देम. 50 आई हैड सेंड अराउंड टू 60-70 कंपनीज. सो फर्स्ट आई स्टार्टेड विद लिस्टेड विच आर द टॉप लिस्टेड देन मिड कैप स्मॉल कैप एंड एवरीथिंग बिट बाय बिट आई गॉन. कुछ 10% ऐसे हैं विच आर द प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप्स बट देयर होल्डिंग इज इन आउटसाइड इंडिया. सो इन इंडिया दे आर नॉट लिस्टेड बट स्टिल यू हैव दैट एक्सपोजर एंड हाउ यू आर वर्किंग. समटाइम्स यू मे फील कि यार प्राइवेट लिमिटेड में क्या जाना है, मेरे को तो लिस्टेड ही चाहिए. बट यू कैन अप्रोच दैम. मैनी आर देर हुज होल्डिंग इज इन US, UK, जर्मन आउटसाइड बट दे हैव अ ह्यूज एंड वॉल्यूमस अमाउंट ऑफ ऑपरेशन इन इंडिया. कंप्लायंस पार्ट, हाँ कंप्लायंस पार्ट आपको लग सकता है कि इन द एंड प्राइवेट लिमिटेड का ही करना है हमको. बट स्टिल यू हैव टू फिगर आउट दैट द एक्सपोजर यू गेट, यू हैव टू वर्क विद द पीपल वर्किंग आउटसाइड इंडिया. सो उनका एक्सपोजर, हाउ दे रीलोकेट, हाउ दे वर्क, हाउ इज देयर वर्किंग स्ट्रक्चर. क्योंकि देखने में यूट्यूब पे गूगल पे बहुत अच्छा लगता है, माइक्रोसॉफ्ट गूगल में ट्रैकमेंट पे भी ऑफिस में जा सकते हैं, जा सकते हैं, बिंदास जा सकते हैं. बट द थिंग दे आर डूइंग इज अ बिट डिफरेंट ऑन वॉट वी एक्सपेक्ट. लगता है बहुत आसान है, इट कैन बी, बट यू हैव टू बी पेशेंट ऑन वॉट यू आर डूइंग. लिंक्डइन के थ्रू मिलते हैं, ये बहुत सवाल होता है. मेनी पीपल हैव एंड देयर ट्रू रिव्यूज कि वी हैड कॉन्टेक्टेड लिंक्डइन फ्रॉम 6 months, आई एम सर्चिंग ऑन लिंक्डइन बट आई एम नॉट गेटिंग. होता है, कुछ लोगों को लिंक्डइन के थ्रू भी मिला है. आई हैव अनदर कलिंग वर्किंग फॉर इन सेम पोजिशन इन विप्रो, शी हैज़ गॉट इट फ्रॉम लिंक्डइन ओनली. सो आफ्टर गिविंग द एग्जाम्स टिल शी गॉट हर रिजल्ट शी स्टार्टेड कॉन्टेक्ट कनेक्टिंग पीपल ऑन लिंक्डइन दैट आई एम इन सर्च ऑफ दिस, आई एम इन सर्च ऑफ दिस. सो वो जो टाइम पीरियड होता है ना, वो आपको टेस्ट करने को मिल जाता है दैट इज समवन रियली रिप्लाइंग मी एंड द रिप्लाई. Some people might reply, they even reply after 2 months also. So there are chances. So she was a bit confident that in August mein she had 1 or 2 groups left. So she thought that till the time I'll get my results, I'll start applying. It will get time. Some people even replied after 6 months also. So there are these things. LinkedIn ke through milta hai, there is a certain 50-60% probability that you would find an article shipped through LinkedIn. This cold emailing technique is a bit riskier, I would say, LinkedIn, because in LinkedIn you are contacting a person. You know that he is working, she is working, they are working. You know a person. When it comes to cold emailing techniques like taking email, you have it's a chance of again a probability because आप भेजोगे उसके mail में, वो देखेंगे, फिर forward करेंगे नहीं करेंगे, अभी उनको ज़रूरत है. अब LinkedIn में कैसा है, sometimes they even revert back at that time position is not there, but now you can apply. Email में तो उसके ऊपर 5,000 email आ गए तो आपका तो गया. तो अगर वो जंक में गया तो गया, देन यू हैव टू अगेन री अप्लाई. सम केसेस आर आल्सो देयर व्हेन यू सी अ पोजीशन, यू अप्लाई बट यू डोंट गेट शॉर्टलिस्टेड और यू डोंट गेट अ कॉल. अगेन आफ्टर 3 or 4 months यू विल सी द सेम वैकेंसी. सम वेरी फ्यू चांसेस आर लाइक दैट आल्सो दैट यू गेट टू वर्क. सो दीज आर द थिंग्स यू कैन यूज. लिंक्डइन पे सम पीपल डायरेक्टली पोस्ट आल्सो दैट देयर इज अ वैकेंसी ऑफ अ CS मैनेजमेंट ट्रेनर इन दिस लिस्टेड कंपनी एंड यू कैन अप्लाई, दिस ईमेल ID इज देयर. Now, in very certain cases, these are just to keep you that sometimes third-party HR companies contact you for these. So, ICSI ke placement portal pe, my personal experience is this, some people have outsourced this to third-party HR companies. So, they contact you that I have seen your ICSI placement portal resume or you have applied it. So, are you interested in that? We can patch you or connect you with the people for the company we are working. This was, I'll frankly disclose, this was my case for Mercedes. So in Sakhand, they have a manufacturing plant and their registered office in India is one of those.
So they have one corporate office also, but registered office is in MIDC Sagar. For them, they had contacted me to third party HR company. So when you tell them that I'm interested, then after a month they patch you with the other team. So that is one thing. This is, I have seen for the first time also what they had done. After second thing, and in LinkedIn, you will find a couple of posts also which are disheartening. Okay, I'm trying for these many months. This is my resume. I'm interested in this. Aapko scroll karte karte dikh jayega. Because LinkedIn is also tracking you, what you are searching. So aapko aise log aate. Again, the same, it tests on what you are doing in case you are not able to find it on immediate basis. So wo hoga. Kabhi na kabhi hoga. Aur koi na koi company mein hoga. Mil jata hai. Do not ignore the ICSI placement portal. They have been dedicatedly made for these things only. And even they are made for jobs also, in case you are searching. So they have different sections for students and for members. So you can, when you click on students, 99% only the training comes. So you have to go through. Ab wo dusra mandir hai. Aapko wahan pe roz jana padega, thoda poojna padega. Aapko aana padega. So there are the things where companies post. And one thing you need to keep in remember, which mistake I did, which I suggest you won't do. ICSI placement portal पे register करते वक्त they ask you for general details, date of birth, this, that, and they ask you for the resume also. And if you see an apply tab that there is a vacancy, so when you click on apply, directly your profile goes to them. तो in case वो blank मत रखना when you are registering yourself on placement portal. उसमें resume, whatever you have made, cover letters, this, that, general information है, सब डाल दो. What I thought is when you apply, then it asks you send the resume. But for a couple of things I applied and only my blank profile went. So after a certain amount of time, I figured out that it directly says your whole profile. So when you're registering, do ensure you have filled out everything. So one click and everything goes with your resume. So just ensure that and do not ignore that portal. LinkedIn pe log ye dalte hain ki ye vacancy ICSI placement portal pe hai, aap wahan se apply karo. These things also you get to figure out jab aapko wahan pe pata chalta. After this, even if you think, ab baat aati hai firm pe ya listed company pe. ऐसा भी होगा कि आपने जो सीखा है वो उसने नहीं सीखा, बट ये प्रोबेबिलिटी है कि जो उसको आता है वो हमको नहीं आता. सी द थिंग इज व्हेन यू आर गोइंग टू अ कॉर्पोरेट और लिस्टेड कंपनी, यू आर डेडिकेटेडली वर्किंग फॉर देम. उनका ऑपरेशंस बहुत यूज होता है, तो आपने को लगता है सब कुछ तो पढ़ ही रहे ना, ये भी पढ़ रहे, ये भी पढ़ रहे, ये भी पढ़ रहे, तो क्या बच गया है. बट स्टिल द ग्रेटेस्ट एडवांटेज अ पर्सन वर्किंग और कंप्लीटेड द ट्रेनिंग फॉर अ फर्म ही और शी हैज, दे हैव पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज. सो एट अ टाइम यू आर वर्किंग फॉर अ लिमिटेड कंपनी, but the people working in firm, limited, private limited, NBFC, NIDHI, government, in case the firms works in that sector, and listed, unlisted, everything. They even are in bank audits also. So at a time, ek hi jagah aap training kar sakte hain. 21 months aapke paas hai. Until and unless there are certain conditions jo aapke haath mein nahi hai, usually I would suggest that don't switch, at least in the 21 months period. अब कुछ ऐसा पार्ट है कि कंपनी ही चली गई, कुछ ऐसा ही हो गया, कुछ फैमिली इश्यूज आ गए, ICSI हैज स्विचिंग ऑप्शन इन केस एनी अनसर्टेनिटी, यस, सो यू कैन कंटिन्यू. आप एक उनसे NOC लेते हैं कि ही इज लिविंग आर ऑर्गेनाइजेशन, और सामने वाले से एक NOC लेते हैं कि वी नो ही इज लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड ज्वाइनिंग आर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रिमाइंडर पीरियड फॉर द 21 मंथ्स पार्ट. तो वो भी एक होता है, यू हैव दैट ऑप्शन. बट आई वुड सजेस्ट व्हेन यू आर कंफर्टेबल, डू नॉट स्विच इन दैट 21 मंथ्स पीरियड. Because you have that credibility to tell next time people that whole 21 months I have completed here. And in that 21 months I have learned these all things. So firm or listed mein wo comparison hamesha hoga. Aur hamesha rahega. Of course, now if you go to some stipend part or something, being listed they have huge voluminous operations. So unke stipend zyada hi hote. Ab firm mein aap jayenge to usse zyada exposure hai. But stipend are, they say as per ICSI standards. Then it is 4,000, 4,500, 5,000. और आपको ऑडिट करना है लिस्टेड कंपनी का, लेकिन 5,000 में. अब कितना पेट्रोल भरना है, कितने बस के पास निकालने हैं, वहीं पे रहना है, वहाँ पे रहना भी नहीं अफोर्डेबल है एक्चुअली, आप नहीं रह सकते 5,000 में. तो दैट इज़ योर चॉइस, इफ यू आर फीजेबल यू डू. आफ्टर दैट, हाँ, कुछ कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं दैट यू हैव सम फाइनेंशियल और फैमिली प्रॉब्लम्स, इन केस यू कांट लीव, यू कांट अफोर्ड. सो समटाइम्स अ वेरी वेरी माइनर परसेंटेज गोज टू लिस्टेड कंपनी, पर वो मेहनत करके जाते हैं. Because they need to give some the part they are earning to their family or someone they are providing. बहुत ही minor है, but one or two cases I have seen like that in my whole journey. कि अब नहीं थे, he did not had a father, so he was giving a part of stipend to a mother also. हो सकता है. Now where do you want to find them or do it? Pune में there is each and every company that exists in the world. 80-90% companies Pune में है. The only drawback in Pune is
दीज आर देयर सब्सिडरीज और ब्रांच ऑफिसेस, बट सेक्रेटरियल टीम और सेक्रेटरियल एंड कंप्लायंस टीम और सेक्रेटरियल एंड लीगल टीम दे सिट्स इन हेड ऑफिसेस. हेड ऑफिसेस मेजरली आर लोकेटेड इन बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली एंड मुंबई. नाउ ड्यू टू दिस बूम और समथिंग सम पार्ट्स यू कैन फाइंड इन गुजरात. नाउ दे हैव मूव्ड देयर रजिस्टर्ड ऑफिसेस देयर बिकॉज एसईज़ेड एग्जम्पशंस है कुछ ये है सुधीर. सो पुणे में है लिस्टेड कंपनीज है, कमिंस इज देयर, पर्सिस्टेंट इज देयर, किर्लोस्कर इज देयर, बजाज इज देयर, दे आर रजिस्टर्ड ऑफ दीज आर लिस्टेड. आई थिंक किर्लोस्कर आई एम नॉट क्वाइट श्योर बट दीज आर लिस्टेड कंपनीज और उनके ऑफिसेज पुणे में है. सो इफ यू आर इंक्लाइन टूवर्ड्स लिस्टेड देर इज अ हायर चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी यू नीड टू रीलोकेट. बट वही है कि पैसा लगेगा और अपना जो रोज का हैबिटेट है वो आपको छोड़ना पड़ेगा. सो हैव टू रीलोकेट. दे आस्क यू इन द इनिशियल 2 or 3 minutes दैट यू हैव सेंट योर रिज्यूमे, वी आर ओके टू प्रोसीड एटलीस्ट फॉर द इंटरव्यू पार्ट, बट यू नीड टू रीलोकेट बिकॉज आर होल टीम सिट्स इन हेड ऑफिस ओनली, बींग द कोर टीम ऑफ अ लिस्टेड कंपनी. सो इफ यू आर इंक्लाइंड यू नीड टू गो देर. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फर्म्स ऑल्सो देर आर बिग बिग फर्म्स हू आर वर्किंग. सबसे पहले तो बिग फोर का ही नाम आ जाता है, कुछ भी कर लो. बिग फोर में फाइंडिंग रेफरल इज द ग्रेटेस्ट पार्ट. सम हाउ डजेंट सीम्स एथिकली नाइस बट रेफरल इज द ग्रेटेस्ट पार्ट. इफ समवन इज वर्किंग इन बिग फोर उनका एक पोर्टल होता है इंटरनल जहाँ पे वो रेफर करते हैं फॉर दिस दिस पोजिशंस. अनदर प्रॉब्लम यू वुड फेस और एनी वन फेसेज इज एग्जैक्टली ये नाम की पोस्ट नहीं आती है कि वी नीड अ कंपनी सेक्रेटरी मैनेजमेंट ट्रेनी और कंपनी सेक्रेटरी ट्रेनी. बिग फोर में ये छोटा सा ड्रॉबैक है, दे हैव वेरी डिफरेंट पोजिशंस फॉर वॉट दे आर हायरिंग. दे वुड से यू आर एनालिस्ट बट यू आर डूइंग द कंप्लायंस पार्ट. ऐसा होता है. सो वन टाइम आई हैड अप्लाइड टू ई वाई. सो दैट वॉज एन एनालिस्ट पोजिशन, सम बिजनेस एनालिस्ट और कॉरपोरेट एनालिस्ट समथिंग. बट दैट वॉज द क्लाइंट्स विच ई वाई हैड, उनका कंप्लायंस पार्ट करना था. सो समटाइम्स यू माइट फील उनके पोर्टल्स पे PwC हैज दैट पॉलिसी. इफ यू गो टू देयर करियर्स पोर्टल ऑल्सो दे से वी नीड इन टैक्सेशन, बट वेन इवन इफ दे हायर फॉर टैक्सेशन इन वेरी लेटर पार्ट दे टेल यू वी नीड इन कॉर्पोरेट कंप्लायंस पार्ट ऑल्सो. सो यू नीड टू टेल देम. तो नाम नहीं मिलेंगे बट देर इज वॉट इज द जॉब डिस्क्रिप्शन और प्रोफाइल, जस्ट गो थ्रू इट वंस इन केस यू नीड टू अप्लाई फॉर बिग फोर. बट आई विल सजेस्ट बिग फोर में ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है बिकॉज मैनी पीपल डोंट नो द टर्म्स वॉट इज अ कंपनी सेक्रेटरी ट्रेनी और कंपनी सेक्रेटरी मैनेजमेंट ट्रेनी. ओनली द पीपल हु नो ICSI और द सेक्रेटरियल और द गवर्नेंस पार्ट और द कंप्लायंस फ्रेमवर्क पार्ट्स, दे नो वॉट यू आर अप्लाइंग और वॉट यू आर सर्चिंग. सो दीज आर द स्मॉल माइनर थिंग्स यू माइट फेस इन केस यू गो टू फ्यूचर. हाँ, लिस्टेड कंपनी में स्टाइपेंड यूजुअली वेरीज फ्रॉम 22,000 अ मंथ टू 35,000 अ मंथ डिपेंडिंग ऑन देयर वॉल्यूम, वेकेंसी, वो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको देंगे इस पर है, विच इज़ अ ल्यूक्रेटिव पार्ट फॉर यू टू अप्लाई इट. अगर आपको एक्सपोजर भी चाहिए समथिंग समथिंग. सो दिस इज द वन बिट एडवांटेज, बट यू कैन कम्पीट विद अ पर्सन हु इज वर्किंग इन अ फर्म ऑल्सो, वो एक पार्ट है. आफ्टर दैट अनादर थिंग इज, या टिल नाउ एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस यू हैव और यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग एल्स, यू आर फेसिंग डायलेमा और समथिंग लाइक दैट. चलिए एक बार थोड़ा सा आपके ऑर्गेनाइज कर देता हूँ तो अगर आपके दिमाग में आराम से क्वेश्चन पूछूं. व्हाट इज ट्राइंग टू से इज कि सबसे पहले तो द वे ऑर्गेनाइज आपको लिख के दिया है, मतलब बाद में ले लेना आराम से. सबसे पहले तो यारो पेशेंस रखो, ठीक है ना. सो जब ये कहता है ना पेशेंस रखो, तो मेरे हिसाब से तो उसको आप आर्टिकल शिप छोड़ दो, जीवन में ही पेशेंस रखो, ठीक है. तो जीवन में एनी वेयर, मतलब इट कैन हैपन एनी वेयर, मतलब उसका कोई अंत ही नहीं है. पेशेंस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप, मतलब नेवर एंडिंग है, नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग एंड नेवर एंडिंग. सो दैट्स वन पार्ट. देन कमिंग टू सबसे पहला जो आपका डिस्कशन चल रहा था कि जब एग्जाम दे देते हैं वहां से लेकर आपने रिजल्ट तक क्या करना चाहिए. तो वंस यू रिटन द एग्जामिनेशन, इफ यू रिटन द एग्जामिनेशन इन डिसंबर, देन यू टू वेट अप टिल फरवरी. यू रिटन द एग्जामिनेशन इन जून, यू टू वेट अप टिल अगस्त. इस बीच क्या करना चाहिए? तो इस बीच सबसे पहले तो एज ही सजेस्टिंग EDP कर लो. EDP कुछ बच्चे तो एग्जाम देने के पहले ही कर लेते हैं, तो आप तो वैसे ही चैंपियन है, ठीक है. आप लोगों, आपको देख के बाकी लोगों को सुनना पड़ता है, पेशेंस रखो, ठीक है. तो कुछ लोग पहले से करके रख लिए, ठीक है. जिन्होंने नहीं किया है वो इमीडिएटली एग्जाम के बाद EDP की कोशिश कर लो. अब उसके लिए फिर टू ट्रैवल टू डिफरेंट सिटी ट्रैवल, ये सब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिकॉज EDP के जैसे वो बता रहे हैं कि बैचेस होते हैं और एक बैच में जनरली 50 का लिमिट रखते हैं वो लोग. तो उसके अंदर अगर पुणे में नहीं मिल रहा है एंड यू आर इन पुणे, देन यू गो टू मुंबई एंड डू इट. आपको आपकी सिटी में नहीं मिल रहा है, ट्रैवल समवेयर एल्स एंड डू इट. और वैसे भी छुट्टियों का टाइम है ना, तो किसी और सिटी में जाकर रहने का यू विल हैव अ गुड एक्सपीरियंस. अगेन ये सब कहने के बाद अब आपको साथ में फाइनेंसिस को मैनेज करके चलना है, राइट. कि जहाँ पे आपका कोई रिलेटिव है, पहचान वाला है, दोस्त हैं, वहाँ जाके कर रहे हो तो इट इज़ बेटर. बट
एटलीस्ट गेट डन विद योर ईडीपी बिफोर रिजल्ट. रिजल्ट तक कुछ बच्चे ईडीपी नहीं कर पाते एज ही वाज़ सेइंग बिकॉज बैच नहीं मिलता है. अब वो कहाँ फंस जाते हैं कि रिजल्ट पास भी आ गए तो फिर आर्टिकलशिप ज्वाइन नहीं कर पाओगे और वो सीजन निकल जाएगा. मतलब जब वो सब लोग अप्लाई कर रहे हैं ले रहे हैं देयर आफ्टर, अब दो महीने बाद में अप्लाई कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीवन में ऐसा पीछे नहीं छूट जाओगे, बट जब ईडीपी कर सकते हो तो करके रख लो. तो रिजल्ट के पहले ईडीपी तो एक मस्त चीज़ है. दूसरी चीज़ हाँ, लिंक्डइन. तो लिंक्डइन पे एटलीस्ट कनेक्शन बनाना, ये सब चीज़ें चालू कर दो. तो ये मोर लेस आपका, ये समझ लो जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हैं उसका एडवांस वर्जन हो गया लिंक्डइन प्रोफेशनल लोगों के लिए. आईडी बना दिया, अप्लाई कर, धीरे धीरे कम से कम शुरू कर लिया, तो छुट्टियों में कुछ नहीं कर रहे हैं इससे अच्छा लिंक्डइन पे काम हो जाता है. नेक्स्ट वन मोर थिंग, रिज्यूमे बना के रखो. बिकॉज आप में से बहुत सारे बच्चों के जिन्होंने रिज्यूमे बनाया नहीं है, कभी नहीं बनाया, तो वो रिज्यूमे बनाना इज नॉट अ वन डे का टास्क भाई. 15-20 दिन लग जाते हैं. आप एक बनाते हो, एक ड्राफ्ट बनाते हो, फिर अपने जो दूर के चाचा का लड़का कहीं काम कर रहा है उसको भेजते हैं, फिर वो बोलता है ये ठीक है पर इसमें ये प्रॉब्लम है, फिर आप उसको चेंज करते हो, वापस भेजते हो. बहुत बड़ा टास्क हो जाता है रिज्यूमे बनाना भी. इट्स नॉट ईजी, इट शुड नॉट बी अ एकदम ही रैंडम रिज्यूमे. तो वो बनाने का काम छुट्टियों में अच्छे से करके रख लो. तो ये कुछ बेसिक चीज़ें छुट्टियों में करके रख लेनी चाहिए. और इसके अलावा इतना लोड नहीं लेने का, बाकी जो चीज़ अच्छी लगती है वो सब भी कर लो, बट ये प्रोफेशनल दिशा में जाने के लिए सब चीज़ें आप कर सकते हो. फर्दर, आप आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कैसे करो? छुट्टियों के अंदर भी अप्लाई तो कर ही सकते हो, तो उसमें समरी सिंपल हुई है, एमसीए की वेबसाइट पे है आपके, और दो तीन उन्होंने बहुत अच्छे ऑप्शंस बताए. अब सबसे पहले यहां पर आ जाते हैं. इसके बाद में माइनर चीज़ें और भी थी, लेकिन फर्म और कंपनी को छोड़ के, क्योंकि वो तो एक बहुत बड़ा डिस्कशन है, वो तो क्या अपन 2-3 घंटे लगे रहेंगे, है ना. उसके अलावा आप लोगों की क्वेरीज कहाँ पे थे वो ले लो, तो ही विल बी एबल टू एड्रेस देम. फर्म और कंपनी को छोड़ के उसके अलावा दूसरे क्वेरीज कौन से, पहले वो ले लो. यस यारा, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मैम आप कुछ पूछना चाह रहे थे? इंग्लिश इज द लैंग्वेज दे आस्क एनी हाउ, कम्युनिकेशन, राइटिंग, सॉफ्ट. इंटरनली वो बात आपको रीजनल में भी कर लेंगे, वो फर्क नहीं पड़ता. इन पुणे यू विल सी प्रीडोमिनेंटली मराठी स्पीकिंग पीपल आर देयर, दे वुड स्पीक, बट यू नीड सॉफ्ट स्किल्स. और डिपेंड करता है सामने वाले का एक्सपीरियंस भी कितना है. अ बिट स्टडी ऑफ इट व्हेन दे आर कॉलिंग. अब मेरे को जब फर्म्स में कॉल आए, सो यू टू जस्ट गूगल वंस बिफोर गोइंग, वो कौन है, क्या करते हैं, कितना एक्सपीरियंस है उनके पास, उनके पास क्या पोर्टफोलियो है, कैसा है. सो सी, वेबसाइट पे वो डिस्क्लोज करेंगे व्हाट ऑल क्लाइंट्स दे हैव बिकॉज दैट इज देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजी. सॉफ्ट स्किल्स यू नीड, यू नीड अ टच ऑफ पावर पॉइंट, यू नीड अ टच ऑफ एक्सेल. गो थ्रू करके मतलब एकदम कैलकुलेशन, बैलेंस शीट ही बनाना आना चाहिए एक्सेल में, ऐसा नहीं है, और बाद में देते भी नहीं है तो वो अलग पार्ट है. वहाँ पे आपको नहीं पूछते वहाँ बैलेंस शीट देखो, ये देखो, वो देखो, बट एक्सेल थोड़ा बहुत आना चाहिए. डेटा प्लॉटिंग, पावर पॉइंट में एटलीस्ट यू शुड मेक अ डिसेंट. अब डिसेंट इज अ वेरी वेरिएबल टर्म फॉर एनी वन. कोई कह सकते हैं कि इतना पावर पॉइंट तो आना ही चाहिए, कोई कह सकते इतना आ गया तो भी बहुत है, विच इज़ वेरिएबल. बिट बाय बिट, चांस बाय चांस, आप किसी के पास जाएंगे, किसे सीखेंगे, आपको गाइड करते हैं क्या हो. सो इट डिपेंड्स ऑन वेर यू आर अप्लाइंग. इन केस इट्स अ कॉरपोरेट, या सॉफ्ट स्किल्स, ईमेल राइटिंग स्किल्स, ड्राफ्टिंग स्किल्स, फिर इतना तो पड़ेगा मिनट्स दे आस्क अस टू ड्राफ्ट, रेजोल्यूशंस पास होते हैं, दे नीड अ गुड इंग्लिश देयर. सो थोड़ा थोड़ा रीडिंग रखो, और थोड़ा मिंट है ऑनलाइन में इन केस यू आर नॉट एबल टू एक्सेस एनी न्यूज़पेपर और समथिंग. इन ऑनलाइन मिंट इज देयर, वो एक है. इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल्स आते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के आते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, इनके आते हैं. फोर्ब्स में एक है वेर यू कैन सब्सक्राइब, तो वो वीकली आपको केस स्टडी भेजते हैं इन. हाँ, फोर्ब्स में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको वीकली बिजनेस केस स्टडीज भेजते हैं वो, कि हाउ दिस बिजनेस, हाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. बीच में यू हैव सीन मेनी बैंक्स कोलैप्स्ड, सो देन फोर्ब्स ईमेल यू दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एंड व्हाट इज द टाइम लाइन ऑफ इट. द वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस फॉर्मेशन, वे ऑफ स्टोरी टेलिंग इज अ बिट डिफरेंट, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस लोग आर्टिकल्स लिखते हैं वो उनके लिए, ये उनके लिए. बीबीसी इज वन ऑफ them if you would see. So it is variable term, but basic तो होना ही चाहिए, because हम भी जो पढ़ रहे हैं, we are referring bear acts. Bear acts को खोलते खोलते दिमाग खुल जाता है, वो bear act नहीं खुलता वो सबसे बड़ा दिक्कत है. और अगर आप सेबी के regulations पढ़ने के आप पढ़ चुके हैं इतना, we are in professional, आप सेगी की language देखेंगे, पता नहीं कहाँ से उठा के लाते हैं words, पर वो लाते हैं. आपको interpret करने के लिए 4 वेबसाइट खोल के 800 बार देखना पड़ता है कि कहना क्या चाहते हैं भाई. बोल देता है एक बार कि ये कंप्लाई करना है, नहीं वो घुमा फिरा के बताएगा तुमको ये भी करो वो भी करो, रेफरिंग टू दिस, नॉट विदस्टैंडिंग प्रोवाइडेड दैट. भाई बोल देता ना नहीं है एप्लीकेबल, नहीं वो बताएगा वैसे इतना क्यों, नॉट विदस्टैंडिंग, नॉट नाउ वेर एवर इट इज रिटर्न. अरे भाई बोल देना नहीं है, बोल देता निकाल दिया हमने नहीं वो नहीं लिखता, वो दिक्कत है. धीरे धीरे बिट बाय बिट उसकी आदत डाल लो, क्योंकि वेन दिस कम्स, सो दिस कॉरपोरेट इज वन थिंग जो आपको बहुत ही फ्यूचर में आएगा. इज अ कंसल्टेशन पेपर, तो आपको बहुत चीज़ों में दिखेगा इट इज़ ओपन फॉर पब्लिक ओपिनियन.
सो दिस कॉर्पोरेट एक्चुअली गिव देयर ओपिनियंस दैट हाउ इट शुड बी ड्राफ्टेड. सो जब जाते और फर्म्स भी देते हैं वो इन बिग फोर और इन सम मिड कैप फर्म्स ऑल्सो दे ऑल्सो गिव देयर पब्लिक ओपिनियंस दे हैव देयर रिप्रेजेंटेशंस देयर. तो बहुत सारे कॉमर्स चेंबर्स होते हैं तो बेसिक ड्राफ्ट है ना दे टेल द ट्रेनीज ऑफ द आर्टिकल्स कि आप एक काम करो सभी का अमेंडमेंट आया है अमेंडमेंट लाने से पहले वो पब्लिक ओपिनियन चाहते हैं तो आप इतना ड्राफ्ट कर लो कि वो कहना क्या चाहते हैं उनको क्या चेंज करना है. सो आर्टिकल से दे वोंट एक्सपेक्ट कि आप पब्लिक ओपिनियन बनाओ हम डायरेक्ट भेज देंगे नहीं बट दे वुड एटलीस्ट आस्क यू टू इंटरप्रेट इट दैट वॉट दे आर ट्राइंग टू से. रिसेंटली उन्होंने बायबैक के लिए पब्लिक ओपिनियंस लाए थे दे वॉन्टेड टू रिड्यूस द टाइम लाइन ऑफ बायबैक. सो इन आई गेस हम 6-7-8 months पहले उन्होंने पब्लिक ओपिनियन के लिए निकाला. सो दीज थिंग्स कम्स टू अस व्हेन दे सेड कि एटलीस्ट इतना बताओ कि वो चाहता क्या है. बेसिक इंटरप्रिटेशन यही है कि वो टाइम लाइन रिड्यूस करना चाहता है कितना किस दिन से बिकॉज हमने पढ़ा है कि कितने दिन में क्या कंप्लाई करना है व्हाट इज द होल बायबैक प्रोसीजर. नाउ दे वांट टू रिड्यूस द टाइम लाइन कि ये फाइल करने की जरूरत नहीं है ये 4 दिन निकल गए अभी सेबी इस पर कमेंट नहीं देगा ये 2 दिन निकल गए. सो उतना इंटरप्रिटेशन वो मांगते हैं एंड बीइंग अ प्रोफेशनल पास दे एक्सपेक्ट यू कि आपको इतना आना चाहिए बिकॉज आफ्टर प्रोफेशनल यू हैव एक्चुअली रेड अ लॉट ऑफ थिंग अप टू अ वेरी सर्टन लेवल. सो ये चीज़ें होती है. सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली काम आते हैं ड्राफ्टिंग में ही एटलीस्ट फॉर सेक्रेटरियल पार्ट फॉर द कंपनी सेक्रेटरी इज वर्किंग बट ड्राफ्टिंग हर जगह है. एक सिंपल ईमेल में भी कभी कभी आप जब कोई भी हो अगर सामने वाला बहुत एक्सपीरियंस होगा ना वो ऐसा ईमेल लिख देता है उसको थैंक यू बोलने में 4 लाइन लिखता है भाई बोल देता थैंकिंग यू नहीं वो 4 लाइन लिखता है विद दिस विद दैट ये वो बट इट इज़ देयर इट्स नीडेड. सीखते रहना पड़ेगा वो पार्ट है. आप हेड CSB बन गए कंपनी के तो भी आपके पास ऐसे अपॉर्चुनिटीज आएंगे कि आपको नहीं पता वो क्या कह रहा है. सो दिखता है व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है बट समटाइम्स इन केस अब फॉर फन तो नहीं बोल सकते क्योंकि टैक्सेशन पार्ट हमारे लिए फन नहीं होता लेकिन कभी आप उनके सर्कुलर से नोटिफिकेशन पढ़ो भाई साहब क्या लिखते हैं वो पता नहीं कुछ तो लिखते हैं लेकिन इतना भयंकर लिखते हैं वो. आप कस्टम्स के नोटिफिकेशन देख लो इसके देख लो GST के देख लो ये प्रोविजन ये फॉर्म ये निकाल दिया वो डाल दिया ये निकाल दिया बस दे समटाइम्स रिक्वायर दैट लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन. सो बिट बाय बिट एटलीस्ट कुछ वर्ड्स पता होना चाहिए व्हेन टू यूज. आप धीरे धीरे जब जाएंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे. अब आप सबसे पहला ट्रेनिंग का एक काम होता है मंदिर जाके सेबी की वेबसाइट खोलना MCA की वेबसाइट खोलना RBI की वेबसाइट खोलना NSC BSC की वेबसाइट खोलना और ट्रैक करना है कि आज के अनाउंसमेंट्स क्या है. सो एज अ ट्रेनी दिस इज़ वन ऑफ देयर बेसिक पार्ट कि अगर कुछ अमेंडमेंट आया है तो एटलीस्ट बेसिक आप पूरी टीम में सर्क्यूलेट करो दैट व्हाट दे आर ट्राइंग टू से व्हाट सेबी इज़ ट्राइंग टू से व्हाट MCA इज़ ट्राइंग टू से व्हाट दे वांट टू ब्रिंग ये उसका एक पार्ट एंड पार्सल है. सो इंटरप्रिटेशन स्किल्स और इसी में फिर बाद में सॉफ्ट स्किल्स भी काम आते हैं बिकॉज हाउ यू आर प्रेजेंटिंग इज लेवल 2. फर्स्ट यू नीड टू इंटरप्रेट अंडरस्टैंड ऑन योर लेवल. आप अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाते हैं बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बट यू हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश ओनली एंड यू हैव टू कम्युनिकेट टू हायर अथॉरिटीज पीपल ऑन व्हाट दे आर एग्जैक्टली ट्राइंग टू सी. सो वहाँ पे फिर सॉफ्ट स्किल्स काम आ जाते हैं. तो आपको अगर लिखने की पढ़ने की रोज़ की आदत होगी ना तो यू आपको वर्ड सोचते हैं लिखते वक्त ऑन व्हाट यू आर राइटिंग. जनरल वोकैबुलरी होगा उसका अल्टरनेटिव आपको पता होता है लेकिन वो सबकॉन्शियस में तब पता होता है व्हेन यू नो कि वो वर्ड मैंने कहीं तो पढ़ा था. Pursuant to this, pursuant to that, in compliance with this, with regulatory. ये अगर आप continuously पढ़ते रहेंगे तो जब आप लिखेंगे तो आपको लगेगा कि we are writing this. अचानक आप नहीं लिखेंगे तो आपको general English ही याद आएगा क्योंकि CS की जर्नी में कितना है 3 है 4 है होप्स तो सब जल्दी पास हो जाए बहुत लोग लंबा भी चलते हैं पर फिर भी जितना भी टाइम है वी आर गेटिंग यूज टू सर्टन लैंग्वेज रेगुलेटरी लॉ प्रोविजन वेन यू आर कमिंग टू प्रोफेशनल. तो एग्जीक्यूटिव तक तो सब नया लगता है. आफ्टर प्रोफेशनल दे एक्सपेक्ट ऑल्सो यू नो दिस लैंग्वेज. तो धीरे धीरे वो एटलीस्ट वर्ड्स को पढ़ना शुरू करो वो क्या कहना चाहते हैं. दिस इज सॉफ्ट स्किल्स वेर यू विल नीड एनीथिंग. मैं आपके साथ हूँ क्योंकि मैंने भी यही पूछा था भाई 1000 किलोमीटर उड़ के आ रहे हैं कुछ देगा क्या तू ये रिइंबर्स करेगा क्या. यूजुअली फॉर देम फॉर्चुनेटली बोल लो अनफॉर्चुनेटली बोल लो इन द एंड वी आर इंटर्न्स. बहुत कुछ उखाड़ के हम वहाँ तक पहुँचे हैं उनको भी पता है बट पोजीशन इंटर्न की है और वो ट्रेनी की पोजीशन है. वॉट एवर जहाँ पर मैंने अप्लाई किया था जो मेरे साथ भी लोग हैं आई हैव नेवर सीन एटलीस्ट रिइंबर्स पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट ट्रेनीज और इंटर्न्स फॉर आर पोजीशन.
अब वो कहेंगे कि आप आ जाओ ज्वाइनिंग है ये, बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग रीइंबर्समेंट एटलीस्ट फॉर अ ट्रेनी. हाँ, वंस यू आर एन एम्प्लॉई, फिर आप फ्रेशर भी हो गए, वन और टू एक्सपीरियंस के साथ साथ जा रहे हैं, एक अच्छे लेवल पे आप पोस्ट हो रहे हैं, दे गिव ऑल दोज एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड एवरीथिंग. बट रीलोकेशन नहीं, उसमें आई हैव नॉट सीन एनीवेयर टिल नाउ. रीलोकेशन अगर होता होगा तो फंडा अलग है थोड़ा सा. रीलोकेशन का जो रीइंबर्समेंट जनरली करते हैं ना, वो उन्हीं को करेंगे जिनको वो मांग के ला रहे हैं. जनरली मान लो एक कंपनी इज लुकिंग फॉर अ सीएस and they're looking for a CS with 3-year experience in NBFC. Unko mil gaya hai. Then they tell him ke yaar aap shift hona chahte ho, reimbursement de denge, aapko buyout bhi kar lenge. That means aap jahan pe kaam kar rahe ho notice period hai, wo bhi paise hum de denge. You come here. To ye depend karta hai ki aap kaun si position se ho. At intern position aapke paas negotiation power shunya hai. Frankly. To wahan par relocation wagera ki possibility kam hai. Ek aur dusra angle bhi iska batata hu main. Gazab scene hota hai. When you are joining some company aur paise dete na ki yahan par aa jao, aapko 10 din hotel mein rukoge, aapka itna relocation ho jayega. And if you leave within some time period, 3 months, you have to pay every penny back. तो आज जब गए, आपने join किया, कि उन्होंने relocation का मान लो 50,000 रुपए दे दिया, thereafter आपको 15 दिन hotel में रुका दिया, कि आराम से ढूंढ लो, उन्होंने आपके ऊपर 1,00,000 रुपए खर्च कर दिए. If within 3 months, 6 months, they've got their timeline, आप छोड़ देते हो, वो पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा तब आप छोड़ पाओ. So ये सब चीजें corporate structure के अंदर आती है बहुत ज्यादा relevant for that time period when you are working, switching. Article छिपे तो क्या कुछ नहीं. तो अपेक्षा कम करनी चाहिए. एक और सवाल आपके दिमाग में होगा, मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है, कि सर आपका स्टाइपेंड कितना है? ठीक है, तो हिज स्टाइपेंड इज 25,000, ठीक है, विच इज अ वेरी गुड स्टाइपेंड. एंड क्यों, मतलब क्या एक और खास कारण है? अपने दिमाग में मिथ क्या होता है, अपन जनरली ऑनलाइन से बहुत इंपैक्टेड होते हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन अपन ने पोस्ट वगैरह देख ली, उससे बहुत ज्यादा इंपैक्टेड रहते. तो स्टाइपेंड एक ऐसा एरिया है जिसपे डिस्कशन इतना मुझे लॉजिकल नहीं लगता, लेकिन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो, और उसको ऐसा सबका ओपिनियन नहीं मिल पाता. तो जनरली स्टाइपेंड स्टार्ट हो जाएगा 2,500 रुपए 3,000 रुपए से, जो ICSI का बेसिक स्टाइपेंड होता है ना, वहां से स्टार्ट हो जाएगा बेयर मिनिमम. एंड जितना छोटी सिटी होगी उतना कम स्टाइपेंड वो पे करेंगे, बिकॉज उनको ऐसा है कि वो तो फ्री लेबर है, उनको मिल रहा है तो उनके लिए बोनस है ऐसा. तो स्टाइपेंड बेयर मिनिमम होगा. जितना आप सिटी अप स्केल करते रहोगे, वो एक लेवल स्टाइपेंड बढ़ता रहेगा. सेकेंड, कंपनी का टाइप और कंपनी का स्केल, तो ये दोनों चीजों के साथ में आपका स्टाइपेंड का लेवल बढ़ता रहेगा. अब अगर वी आर रेडी टू गो टू अ सिटी लाइक मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, कलकत्ता, जहाँ पे एकदम जबरदस्त ऑफिसेस मिल रहे हैं आपको और कंपनी भी बहुत अच्छी है, तो आप दोनों में अपर हायरार्की में आ चुके हो, सिटी भी बड़ी हो गई, कंपनी भी अच्छी हो गई, देन यू गेट स्टाइपेंड 20,000 प्लस मस्ती से. एंड वंस यू गेटिंग 20-25,000, तो बेस्ट अपना खर्चा निकाल पाते हैं, एटलीस्ट उस सिटी का खर्चा इतना होता है. तो वहां पर जाने के बाद में उतने स्टाइपेंड की अपेक्षा रख सकते हैं. अगर हम थोड़ा सा चाहते हैं कि नहीं सिटी थोड़ी सी हमको थोड़ा सा होम टाउन में रहना है, फिर आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि अपन को स्टाइपेंड हैवी मिलेगा. तो सिटी एक एंगल हो गया बैरोमीटर जिस पे आप चेक करोगे, दूसरा मीटर हो गया आपका टाइप ऑफ कंपनी के अंदर. ऐसा फर्म और कंपनी का एक डिस्कशन, इसको जनरली मैं एकदम ऐसा साइड रखना चाहता हूँ, उस पर तो एंड ही नहीं है उसका इसलिए, बट एक स्टाइपेंड के पॉइंट पर डिस्कशन कर लेना. तो स्टाइपेंड हमेशा कंपनी का ज्यादा होगा, कंपेयर ही मत करो, फर्म्स का स्टाइपेंड कम ही हो. तो अगर आपका ऐसा स्टाइपेंड एक फैक्टर है कि भाई घर से पैसे नहीं ले सकते, तो आपको सोचना ही नहीं टू ज्वाइन अ कंपनी, दे फिर आप सोचो ही मत. कि अगर आपका स्टाइपेंड एक बहुत रेलेवेंट फैक्टर है कि भाई घर का खर्चा नहीं, हमको घर से पैसे नहीं ले सकते हैं, तो फिर आपको कंपनी में ही जाना है. ये जो 20-25,000-30,000 का स्टाइपेंड सुनते भी है ना, ये सिर्फ कंपनीज पे करती है, ये कोई फर्म पे नहीं करती, इवन द फाइनेस्ट फर्म ये स्टाइपेंड पे नहीं करेगी. तो अगर आपके लिए स्टाइपेंड एक मेजर कंसर्न है, देन यू हैव टू गो फॉर अ कंपनी, सोचना भी नहीं ऐसा. चलो, कोई और सवाल किसी और व्यक्ति के दिल दिमाग में तो पहले वो पूछ लो. सो अभी ये AI बहुत बूम में, हाइप में, जो आपको पूरा रिज्यूमे बना के दे सकता है. आप उसको बस बोलो मेक अ रिज्यूमे फॉर मी, इनपुट दे दो, वो रिज्यूमे दे देगा. रिज्यूमे में डिपेंड करता है कि आप अभी क्या डाल रहे हैं. अब जब मैंने बनाया था, सो जनरल 10th 12th ग्रेजुएशन CS, दैट्स इट, इतना डाला था. अब उसमें दोनों स्किल्स आपके दिखने चाहिए. एक आपके क्या कहते हैं, जैसे सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये तो एक नॉन एकेडमिक अप्रोच हो गया, एक थोड़ा एकेडमिक अप्रोच हो गया. एकेडमिक में यूजुअली हम ये डालेंगे कि हमने 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, ये किया, वो किया. नॉन एकेडमिक में कुछ अदर पार्ट्स, अब कुछ कुछ होते हैं, ओलंपियाड्स दे दिए, कुछ ये कर लिए, कुछ क्रैश कोर्सेज कर लिए, इसमें रैंक आ गया. हाँ, बट दे इवन लुक अ वेरी माइनर एंगल ऑन व्हाट इज़ योर नॉन एकेडमिक परस्पेक्टिव. अब आप कहेंगे मैं चेस भी खेलता हूँ या क्रिकेट, बैडमिंटन, स्पोर्ट्स, स्विमिंग, कुछ ऐसा किया है, इट हैज़ टू बी देयर. तो somehow you need to incorporate in that. Being a fresher, I would suggest, or at least for a trainee, try to accommodate this in one page. ये बहुत भयंकर टास्क होता है, बट
ये है कि आप कितना ही दिखा दोगे उसको सामने वाले को, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, बचपन में ये कर लिया, वो खेल लिया, ये डांडो खेल लिया, वो डांडो खेल लिया, क्या क्या नहीं दोगे उसमें, 10 पेज का रिज्यूमे भेज दोगे क्या उसको? उनके पास उतना ही टाइम होता है कि आपका एक पेज देखेंगे. वर्स्ट केस अगर अचीवमेंट्स सच में वैसे हैं कि ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये रैंक आ गया, वहाँ रैंक आ गया, वहाँ नेशनल खेलने चले गए, ये आ गया डांसिंग पे, आई एम एट दिस एट दैट, रहता है मैक्सिमम 1.5. उससे ऊपर प्रेफरेबली वो देखते भी नहीं है, होगा भी तो स्क्रोल ही नहीं करते वो. तो एक पेज पे आप एग्जीक्यूटिव के आंसर शीट्स आप लिखते थे ना आप पास कैसे होंगे? सी, वन पेज पे जनरल तो आप पर्सनल डिटेल्स तो दे ही दो, आप कहाँ से हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये वो. एक ऊपर कोई अच्छा लाइन डाल देना कि व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव और व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. अब वो आपका पर्सनल एम्बिशन भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए दोस टू लाइन्स, और आप क्या उसको केटर करेंगे कि आई एम अ प्रोफेशनल एंड आई थिंक आई कैन डू दिस फॉर यू, सम हाउ शुड रिफ्लेक्ट. एक सर्टन पार्ट, अब एक A4 पेज पे आपने पेन से भी लिख दिया तो एक सर्टन पार्ट तो यही आ जाएगा ना कि आप स्कूल, कॉलेज, CS प्रोफेशनल कर चुके हैं, ICSI से, इस ईयर में एटलीस्ट ईयर ऑफ पासिंग यू शुड गिव व्हाट आई प्रेफर एंड व्हाट दे लुक ऑल्सो. तो ये 2000 में 10th हो गया, HSC SSC ग्रेजुएशन और ICSI. अब डिपेंड भी ये भी करता है कि एग्जीक्यूटिव के बाद है, प्रोफेशनल के बाद है. यूजुअली डू नॉट राइट एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल बोथ, क्योंकि एक पेज में आपको एकोमोडेट भी करना है उसको. हाँ, अभी आपने पूछा कि एक पेज में भरना क्या, आप दोनों लिख दो, फाउंडेशन भी लिख दो कुछ होगा तो आप वो भी लिख सकते हैं. इतने में तो कम से कम 4-5 लाइन एटलीस्ट 20-25% पेज तो आपका गया. अब उसके बाद आते हैं आपको दो टाइप के स्किल्स उसको दिखाने पड़ेंगे. एक सेक्शन लैंग्वेज का भी आता है जो बहुत ही बॉटम होता है, लेकिन आपका 10% पेज ले लेगा वो दैट. और जनरल जो लैंग्वेज आते हैं वही लिखो, सच में जो सुनते हैं पढ़ते हैं, ये वो नहीं, जो आपकी एक नेटिव, एक मदर टंग होगी, एक जिसमें आप पढ़ रहे हैं, और एडिशनली आप कुछ और भी. नाउ माय नेटिव और मदर टंग इज मराठी, सो आई लाइक इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी, दीज थ्री लैंग्वेज आई एम कम्फर्टेबल. इतना ही लिखो, लैंग्वेजेस यू शुड गिव. अब ये बात आता है कि म्यूजिक में इंटरेस्ट है कि नहीं, बताना है कि नहीं. सुनते बहुत है, कंपनी में भी सुनेंगे, आप बक बक करते रहेंगे, मैं सुनता रहूँगा, ऑनलाइन मीटिंग में भी सुनता रहूँगा, लेकिन अब वो बताना है कि नहीं. दो, ये सबसे लास्ट पार्ट है. ओके, व्हाट आर योर जनरल इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, को करिकुलर एक्टिविटीज़. दो पार्ट्स, एक पार्ट तो आपको जनरल दिखाना पड़ेगा कि आप क्या है. यू आर अ गुड डिसीजन मेकर, यू कैन मैनेज टाइम बेटर, यू आर अ बिट एफिशिएंट, ये वो. अब कुछ तो उसको बताना पड़ेगा ना अदर देन एकेडमिक. यू आर अ प्रोफेशनल क्लियर्ड, आपका पूरा CS का जर्नी हो चुका है, सिर्फ आपका ट्रेनिंग पार्ट बाकी है. तो आपने लिख तो दिया दैट आई एम CS प्रोफेशनल क्लियर्ड स्टूडेंट एंड अप्लाइंग फॉर ट्रेनिंग, अज्यूम दैट यू हैव अ वैकेंसी. लेकिन फिर आपके पर्सनल स्किल्स क्या है? आप डिसीजन ले सकते हैं अच्छे से, आप टाइम मैनेजमेंट में अच्छे हैं, आप ड्राफ्टिंग में अच्छे हैं, कुछ ना कुछ तो उसको बताना पड़ेगा ना अदर देन प्रोफेशनल. पास तो हो गए, पास हो गए, वो मार्कशीट एक बार मांगेगा, बाद में बोलेगा हाँ ठीक है, ओके, गया स्कूल की तरह प्रोजेक्ट के रद्दी में गया वो. अब उसमें बेचेंगे, वड़ा पाव खाएंगे, फ़र्क नहीं पड़ता. बट कुछ तो बताना पड़ेगा ना. तो वॉट आर अदर स्किल्स अदर देन दोज एकेडमिक? यू आर गुड एट सॉफ्ट स्किल्स, जैसे आपने पूछा डू वी नीड टू डेवलप. आपको सच में ही बहुत अच्छा एक्सेल आता है तो वो तो पहले लिखो दैट आई हैव डन दिस कोर्स इन एक्सेल, और एटलीस्ट आई नो दिस मच एक्सेल दैट आई मैसेल. पावर पॉइंट हो गया, प्रेजेंटेशन की पार्ट हो गई. देखो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, ये जो एग्जाम्स टू रिजल्ट के बीच में है ना, ये सब कोर्सेज कर लेते हैं. 10 दिन का एक्सेल कर लिया, 1 महीने का एक्सेल कर लिया ऑनलाइन, वो यूडेमी, अपग्रेड, ये सब कोर्सेरा, ये सब वेबसाइट्स पे, इंट्रोडक्शन टू एक्सेल, इंट्रोडक्शन टू टैली, ये वो. तो अब ये लिखो ना, बस जेन्युइन लिखो. अगर आपने टैली स्कूल में, कॉलेज में बस एक बार स्क्रीन खोल के देखा था ऐसा दिखता है टैली, तो बस उतना ही लिखो, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आई हैव इन टैली, और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. बिकॉज वो जो एक पेज में पढ़ते हैं ना, वो उसी पे काउंटर करते हैं हमको. आपने अगर लिखा कि यू आर गुड एट टाइम मैनेजमेंट, तो वो पूछेंगे दैट हाउ यू आर गुड एट टाइम मैनेजमेंट, वो इंटरव्यू में दे विल काउंटर यू. सो वॉट आई हैड रिटन एंड हैड फ्रेंकली रिटन, आई शेयर ऑल्सो माई रिज्यूमे, दैट आई हैड क्लियर्ड माई CS प्रोफेशनल एंड एग्जीक्यूटिव बोथ इन टू अटैम्प्ट्स, मैक्सिमम टू अटैम्प्ट्स. तो वो क्वालिटी आप क्या देख रहे हो, उसका नीचे छोटा सा हेडिंग और सब हेडिंग होता है ना, तो आप वैसा कुछ तो रिफ्लेक्ट करो दैट आई एम गुड एट दिस, और आई हैव गुड लीडरशिप स्किल्स. आप बिंदास लिखो कि आप स्कूल में कैप्टन थे, नहीं थे, यहाँ कैप्टन थे, वहाँ कैप्टन थे, ये आपने लीड किया, आप एक NGO को लीड करते हैं, आपके पास एक NGO की टीम है, तो उसका एक वही प्रूफ इफ पॉसिबल यू शुड गिव अटैच. तो
तो सामने वाला उसी पे काउंटर करता है, हम भी उसको काउंटर कर सकते हैं. यू आर सेइंग यू हैड गुड लीडरशिप, या आई एम वर्किंग इन एन एनजीओ फ्रॉम 6 months, आई हैव अ टीम ऑफ 5 पीपल, 10 पीपल, 2 पीपल, 4 पीपल, दिस इज वेर आई यूज माई लीडरशिप स्किल्स. तो ऐसा नहीं कि हर चीज़ एकेडमिक होनी चाहिए, बट वो आपके अदर स्किल्स भी लेंगे और पूछेंगे. हाँ, अब प्रॉब्लम यह है कि ये जर्नी इतनी एग्जॉस्टिंग है कि आप बोलेंगे कहाँ एनजीओ, क्लास ढंग से नहीं आ पा रहे. आप बोल रहे क्लास के बाद एनजीओ करो, नहीं है पॉसिबल. तो उनके पास ऐसे आपसे भी बेहतर कॉम्पिटिटिव रेज्यूमेस आएंगे जिन्होंने बहुत भर भर के लिखा होगा, उनके आंसर शीट की तरह पता नहीं क्या ही लिखा. पास भी हो गए पर लिखा होगा ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये कोर्स आता है, वो कोर्स आता है. सबसे पहला सवाल आता है, भाई कब किया? सेम ही बुक पढ़ रहे हैं, तू भी ऐसे ऐसा ऐसे, मैं भी ऐसे ऐसा, लेकिन तूने कब किया ये? हम यहाँ नोट्स ही बना रहे हैं. नहीं हो पा रहा है. होंगे ऐसे कॉम्पिटिटर लोग आपके साथ होंगे, बट एक पेज में आपको दिखाना पड़ेगा. सिर्फ एकेडमिक पे वो पूछेंगे कि ठीक है, बट यू आर वर्किंग विद 10 पीपल देयर, विद 50 पीपल देयर, हाउ यू विल मैनेज, हाउ यू विल कोऑपरेट, हाउ यू विल गेट मिक्सड अप इन दैट ग्रुप. अब आप बहुत ही इंट्रोवर्ट होंगे तो वो बाद में रिफ्लेक्ट होगा, ये पता नहीं क्या लिखने की जरूरत नहीं, आई एम एन इंट्रोवर्टेड पर्सन, सो आई एम गुड एट रीडिंग बुक्स, आई रीड वेरी फास्ट, आई रीड टू मच, वैसा नहीं है. लेकिन कुछ तो वैसा नहीं है, बट कहीं पे भी जाएंगे अकेले तो आप काम नहीं करोगे, आपके साथ लोग होंगे, तो उससे कुछ मैचिंग आप रिफ्लेक्ट करो. देखो रेज्यूमे एक ऐसा चीज़ है ना कि आपको फर्स्ट गो में यू हैव टू टिक 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 टिक, ये भी टिक है. प्रोफेशनल हाँ हो गए, टीम मैनेजमेंट हाँ ये भी कर सकते हैं, हाँ ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है. तो बेसिकली उनका जो टिक बॉक्स है ना वो हमको मैक्सिमम फिल करना है हमारे फर्स्ट पार्ट से, पर उसमें रिजेक्शंस आएंगे. एंड देर आर सम पीपल रियली गुड हु विल टेल व्हाई दे हैव रिजेक्टेड यू और व्हाई दे डोंट वांट टू टेक यू, दे वुड टेल. बात आती है रैंकर्स की भी, कि रैंकर्स आ गए. मैनी लिस्टेड कंपनीज और कॉर्पोरेट्स हैव दिस पॉलिसी, दे ओनली हायर रैंकर्स एज देयर ट्रेनीज और देयर इंटर्न्स. 25 ही आते हैं, कभी कभी वो भी ढंग से नहीं आते. आप June 22 या December 22 का प्रोविजनल ऑल इंडिया जो रैंकर्स का मार्कशीट होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जून में ही था वो, डिसंबर में आई एम नॉट क्वाइट श्योर, उनमें रैंकर्स 25 नहीं है. आप पूरा हाँ दो अटेम्प्ट से नहीं है. सो क्योंकि ICSI की भी पॉलिसीज है कि टॉप 10 इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्क्स, फ्रॉम 11 to 25 यू नीड टू हैव मैक्सिमम 55% ऑफ मार्क्स. ऑन बेसिस ऑफ दिस ICSI कैलकुलेट्स द रैंकर्स. अब उतने 17 रैंक के बाद अगर रैंकर्स है पर दे हैव नॉट 55% ऑफ मार्क्स, रैंकर्स नहीं आते क्योंकि ICSI हैज दैट पॉलिसी. अब उसको देखेंगे गाइडलाइंस टू ऑल इंडिया रैंकर्स और समथिंग समथिंग करके उनका एक नोटिफिकेशन है, अब वो रीड कर सकते हैं. और उनके रेगुलेशंस भी है जो हमारे रेगुलेशन 1982 के, उसमें भी उन्होंने लिखा है. वो नहीं है फिर रैंकर्स, तो वो लोग भी कहाँ से लेके आएंगे? 17 ही निकले ना. अब जैसे हमने कहा 17 है, इतने सारे कंपनीज है, सबने एक एक भी हायर कर लिया तो भी है वैकेंसीज, तो चांसेस है. यू नीड टू हंट एंड ग्रैब दैट, वो एक फैक्टर हमेशा रहेगा. टाइम लग सकता है बट इट विल बी वर्थ इट. तो रेज्यूमे में दोनों चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए और मैक्सिमम इट शुड हैव दैट टिक बॉक्स कि ठीक है ये रिलोकेट तो बहुत ही बात का पार्ट है. CS प्रोफेशनल क्लियर, दे आर गुड एट दिस, ठीक है हमारा 50% क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई कर रहे हैं. कुछ नहीं तो एटलीस्ट इंटरव्यू को तो इनको बुला ही लो, फिर बाद में देखते हैं इंटरव्यू देखे दैट हाउ मच दे नो, हाउ डू दे नो. तो एटलीस्ट इंटरव्यू तक पहुंचना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, एक वो हसल होता है वहां तक पहुंचने के लिए. वहां पे आप क्या कर सकते हैं, यू हैव यू ओन, कि आप इंसान से मिले, भाई ये मेरा रेज्यूम है, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, या उन्होंने ऑनलाइन भेज दिया. ऑनलाइन में वो कब खोलेगा पता नहीं, वो किस मूड में खोलेगा पता नहीं, अब वो चेकर की तरह हो गया. आपने कितना भी अच्छा लिखा, अब वो झगड़ा करके बैठा है तो गया पेपर, फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. नहीं कर सकते. तो सामने वाला ह्यूमन है, यू हैव टू ट्राई टू कन्विंसिंग कि भाई मैं ही हूँ तेरे लिए, तू कहीं भी जा. तू मैं ही आऊँगा इस पोस्ट के लिए. रिस्क मैनेजमेंट व्हाट वी स्टडी होते, दिस इज दैट पार्ट ओनली. यू हैव टू रिड्यूस द रिस्क एज मच एज पॉसिबल इन योर वन गो ओनली. सेकेंड पार्ट है इंटरव्यू में, देन यू क्रैक, यू टेल योर बॉडी लैंग्वेज, दिस दैट. अभी तो इंटरव्यूज भी वॉक इन हो गए, तो नाउ दे आर ब्रिंगिंग पीपल फॉर वॉक इन ओनली. सो ऑनलाइन का तो है, अब रिलोकेशन का जैसे इन्होंने कहा, रिलोकेशन का पार्ट तो बहुत ही बाद में आता है, वो इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे आपको कि आप यहाँ आ जाओ इंटरव्यू देने के लिए. फिर 2 महीने बाद वो प्रोसेस होगा, फिर लगता है भैया इतना दूर जाए आए, हुआ नहीं हुआ. यू हैव टू टेक दोज चांसेस व्हेन यू आर गोइंग. सो वॉक इन भी एक उसका पार्ट हो गया है आफ्टर दिस कोविड, एंड दे वॉन्ट टू ब्रिंग पीपल बैक टू ऑफिस. हाइब्रिड पॉलिसीज है, कोई कोई हम आजू बाजू देखते हैं सारे IT वाले लोग बैठे हैं मस्त, बिना नहा के 2-2, 3-3 दिन काम कर रहे हैं, चल रहा है. लेकिन नाउ यू हैव टू गो टू ऑफिस,
इज वेरी सर्टन पार्ट, बहुत बात का पार्ट है, बट यू हैव टू गेट यूज टू इट कि आपको ऑफिस जाना पड़ सकता है फॉर मैक्सिमम. एंड कंप्लायंस इज पार्ट, एंड आपको पता है यू हैव टू फाइल फॉर्म्स. हमारे ICSA की बुक ही ऐसे भरी हुई है, कुछ भी हो जाए ये फॉर्म भर दो, कुछ भी हो जाए वो फॉर्म भर दो, वो आता ही है. अब वो कब भरना है, कैसे भरना है, उसका गाइडेंस होता है, एक किट भी होता है हर एक फॉर्म का. अब ये ट्रू स्टोरी, लेकिन वो किट अपडेटेड्स नहीं होते कभी कभी, बट यू हैव टू डू दिस थिंग्स ऑल दोज एन पार्ट एंड पार्सल्स. सो रिस्क रिड्यूस कर सकते हो उतना करो. अब उसको एक गो में कितना फीड कर सकते हो, यू जस्ट फीड इन दैट मच कि भाई आ रहा हो यू तो बुला ले मेरे को, उसके बाद का तो आप पे है ना. व्हेन यू गो टू एन इंटरव्यू ही वुड आस्क, यू वुड आंसर, यू वुड आस्क, ही और शी वुड आंसर, जो भी होगा दैट इज सेकेंड और थर्ड पार्ट आफ्टर दैट. पहले यू हैव ओनली रिज्यूमे व्हाट यू कैन बिल्ड. सो इट्स गोइंग टू बी सिंपल ऐसा, एंड आई डोंट थिंक एट दिस लेवल यू विल हैव दिस प्रॉब्लम कि उसको कंप्रेस कैसे करेंगे. प्रॉब्लम आगे आती है. कैसा होता है कि वंस योर एज इज, आप 21 में चालू कर देते हो, 22-23 में आप 35 के हो गए, तभी तो स्विच करते हो. तब आपको रेज्यूमे के अंदर दिखाना है मैंने 15 साल में काम क्या किया, तब कंप्रेशन बहुत कठिन हो जाता है. बिकॉज मैंने इस कंपनी में ये काम किया था, मैंने ये भी काम किया, तो यू वांट टू राइट अ लॉट. एट दिस जंक्चर रिज्यूमे कंप्रेशन इतना बड़ा टास्क नहीं रहा, तो आई थिंक आपको इतना ट्रबल नहीं आएगा. इट्स गोइंग टू बी इजी ओनली, डोंट वरी टू मच अबाउट इट. यस रॉबिन, आप कुछ पूछना चाह रहे थे शायद. आई एम सॉरी. हाँ ए हाँ, किसी को भी बीच में क्वेश्चन आ जाता है ना दिमाग में, तो बीच में से हाथ ऊपर रख लो, जैसे क्वेश्चन खत्म होगा तो उस पर चले जाएंगे. प्रॉब्लम नहीं. यस रॉबिन, जो मेरा राउंड था दोज वर इन टोटल यू कैन से थ्री. जो फर्स्ट जो टेलीफोनिक राउंड था दे कॉल्ड मी बिकॉज आई हैड डन दिस कोल्ड ईमेलिंग थिंग. मैं रेज्यूमे के सब्जेक्ट में लिखता था एप्लीकेशन फॉर सीएस मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऐसा. एंड बिकॉज दिस इज कोल्ड ईमेलिंग थिंग आई यूज्ड टू राइट. आई एम सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, कोल्ड ईमेलिंग क्या होता है? एकदम ऐसा शार्क टैंक पे नहीं चलता कि वो लोग बात करते फ्रिज में ऐसा के बताता है आरओआई. आरओआई का मतलब कोल्ड ईमेलिंग सिंपली मींस, जिनको आइडिया नहीं है ना, कि धड़ धड़ फेंक दो. समझ में आ रहा है? ऐसा ना कि घर में बैठे फ्री क्या करना है, पांच दोस्तों को मैसेज कर दिया कहाँ है, जो रिप्लाई करेगा उसके साथ घूमने चले जाएंगे. कोल्ड ईमेलिंग. तो व्हेन यू आर रियली कंफ्यूज्ड, सो यू डू नॉट थिंक ऑफ अ ड्रीम कंपनी कि मेरी ड्रीम कंपनी है, मैं सिर्फ वहां पे अप्लाई करूंगा, वो रिजेक्ट करेंगे फिर मैं आगे जाऊंगा. रेदर देन दैट यू अप्लाई एट 50 कंपनीज टुगेदर, कि 50 कंपनी को मेल डाल दिया अपन ने, अब 50 में से 10 का रिप्लाई आया तो उधर अपन हंट करेंगे आगे. दैट्स कोल्ड ईमेलिंग, धड़ भेज देना. सो टेलीफोनिक दे आस्क यू वेरी जनरल थिंग, एक दो मिनट आपका पर्सनल ले लेंगे कि आप कहाँ से है, ये है वो है. अगर रिलोकेशन का पार्ट आता है कुछ है, सो दे आस्क दैट आर यू कंफर्टेबल रिलोकेटिंग, देन ओनली वी वुड प्रोसीड. ये फर्स्ट ही क्वेश्चन होता है उनका. अगर कंपनी कहीं और की हो और हमने रिज्यूमे में प्रिफरेबली जगह बचे रिज्यूमे में, तो आप डाल दो किस लोकेशन से है एटलीस्ट उसके लिए. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको वैकेंसीज देखेंगी वो ब्रैकेट में लिखते हैं प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू लोकल कैंडिडेट्स, ऐसे भी आपको कहीं कहीं मिलते हैं. तो इफ नाउ यू आर इन पुणे और सम अदर, आप लोकेशन दे दो इनके रिज्यूमे में, आप उसको जगह दे पा रहे हो, तो वो एक पार्ट होता है. टेलीफोनिक में दे वुड आस्क यू बेसिक, अब वो होता है रिज्यूमे में, फिर भी वो पूछेंगे कब हुआ प्रोफेशनल, कौन से अटेम्प्ट में हुआ, आपको कितने मार्क्स आए थे. फिर आपको इन जनरल रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी दे ऑल्सो आस्क कि आपको ये वैकेंसी कहाँ थी या आपने कहाँ से अप्लाई किया, बहुत नेग्लिजिबल 0.01%, बट दे समटाइम्स आस्क. फिर डू यू नो व्हाट इज MCA, व्हाट इज डू यू नो ROC और हाउ दिस वर्क. बहुत ही जनरल दैट अज्यूमिंग लिस्टेड कंपनी तो कौन कौन इन्वॉल्व होता है. समटाइम्स जो मेरा टेलीफोनिक हुआ था डेट वॉज सम 7-8 मिनट्स, उन्होंने बस इतना ही पूछा कि MCA के बारे में आपको पता है क्या, क्या है, कैसा फंक्शन करता है, कौन गवर्न करता है, आपने एक लिस्टेड कंपनी को अप्लाई किया है तो इस पे कौन कौन से रेगुलेटरी बॉडीज़ काम करती है, एक जनरल बस इतना ही बताना है कि हाँ सेबी का भी कंप्लायंस आता है इंक्लूडिंग MCA. अब वो कंपनी है तो MCA तो है ही, तभी वो है, लेकिन सेबी का भी आता है. आप अगर इतनी बड़ी लिस्टेड है तो सेबी का आता है. देन इफ़ इट इज़ एन MNC विच इज़ बेसिकली यूजली लिस्टेड आर, MNC है तो फेमा कंप्लायंस आता है, तो RBI का पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है. तो बस सेबी, RBI, MCA, ये आई नो, वो टेलीफोनिक पूछते हैं. सेकेंड यूजुअली एंड दैट इज द मैक्सिमम यूजली, क्या एक बार तो आप टेक्निकल राउंड लेंगे ही, वो तो टेक्निकल में उन्होंने दे गेव अ लॉट ऑफ बर्डन व्हेन दे इवन बीइंग लिस्टेड दे आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट. अब वो सीधा फिक्के ही मारते हैं वो पे, ये प्रोविजन खत्म, और ये प्रोविजन क्या है, ये हमारे कंपनी में कैसे एप्लीकेबल होगा. हमको एक कंपनी खरीदनी है जो अनलिस्टेड है, हमको एक प्राइवेट लिमिटेड खरीदनी है. दो मिनट में समझा दो कि बेसिक प्रोविजंस क्या रहेंगे या बेसिक कंप्लायंसेस क्या रहेंगे, या बता दो. हमारा ऑडिटर ने रिज़ाइन कर दिया, तो अभी बोल लो इसके आगे का सिनेरियो क्या है.
वी हैव गिवन, हमको बाहर एक सब्सिडरी खोलनी है, तो जनरल प्रोविजन फेमा का क्या है, एक जनरल कि वो कैपिटल है, करंट है, क्या है, कैसा है, उतना आप बता दो। और कुछ रेगुलेटरी प्रोविजंस की आरबीआई को एप्लीकेशन करना पड़ेगा, एमसीए को भी बताना पड़ेगा, ये वो सेबी का एक इन प्रिंसिपल, कुछ ऐसे जनरल रहेंगे वो आपको पूछेंगे। अब उस पर ऐसा होता है कि कुछ कुछ हमको पता होता है उस इंटरव्यू में कि चार ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है, चार ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है, खत्म, ब्लैंक। हम दो ही बता पा रहे हैं, हम तीन ही बता पा रहे हैं। मेरे साथ हुआ था, मेरे को ऑर्डिनरी में वो जो डिविडेंड डिक्लेरेशन पार्ट होता है वो नहीं पता था। मैंने ऑनेस्टली उनको बोला, सर मेरे को पता है, मोमेंटरली मेरे को याद नहीं आ रहा है, मतलब मैं दे सकता हूँ बट इस मोमेंट पे मेरे को इमीडिएटली याद नहीं आ रहा है, मैंने तीन बताया एक नहीं बताया। उतना ऑनेस्टी कभी कभी आपके फेवर में भी काम करता है, कभी कभी नहीं भी करता है, क्योंकि सेकेंड कैंडिडेट आपके साथ जो होगा उसने अगर चारों बता दिए तो फिर उसको लगेगा ना ये बेटर है भाई, ये उसने ऑनेस्टली बताया कि उसको नहीं आ रहा, पर इसको तो आ ही रहा है ना। आप इंटरव्यू लोगे तो आप भी ये पूछोगे, इसको तो पूरा ही आ रहा है ना, तो बेटर है, सेम पोजीशन, सेम स्टाइपेंड, सेम एवरीथिंग, उसको तो चारों आ रहे हैं, ले लो, रहेंगे ऐसा। बट आई वुड स्टिल प्रीफर कि आप ऑनेस्टली उनको बता दो। हाँ, अब बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए तो वो अलग पार्ट हो जाता है, व्हाट दे आर आस्किंग वी आर नॉट एबल टू केटर, तो वो एक अलग पार्ट हो जाता है। तो टेक्निकल में लिस्टेड में दे हैव अ मिक्स, कंपनीज एक्ट, सेबी प्रोविजन, टेक ओवर, कॉम्पिटिशन, फेमा। हाँ, इतना एक्सटेंसिव नहीं पूछेंगे कि हाँ सेक्शन नंबर 134 बता दो, खत्म। अब कुछ कुछ के एक्सपीरियंसेस है जो आपको लिंक्डइन पे या कोरा पे दिखेंगे कि उनका एक्सपीरियंस क्या था, दे आज की मेरे को डायरेक्ट प्रोविजन ही पूछ लिया, सेक्शन इसका ये बता दो, इसका वो बता दो, सेक्शन ये क्या है, इसका सेक्शन ही क्या है, ये भी पूछ लेते हैं कि इसका सेक्शन क्या है, कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल है, ऐसा। अभी वो बोलेंगे ठीक है एनुअल रिपोर्ट बता दो, ये बता दो, वो बता दो, बनानी है कि नहीं बनानी है, तो उस टाइम पे हमको लगता है कि यार जर्नी में तो ये पढ़ा था कि सेक्शंस नहीं प्रोविजन पे इंपॉर्टेंस दो, सेक्शन लिखोगे मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे लेकिन प्रोविजन समझना चाहिए, अब तक तो सेक्शन ही लर्न नहीं किए, अब किए तो किए अभी याद नहीं आ रहे क्योंकि एग्जाम हो गए तो 2 महीने हो गया और हम तो पेपर के बाद भूल जाते हैं, ये तो 2 महीने बाद पूछ रहा है हमको कि क्या है, लर्न किया भी तो होता, वो तो उसी शाम को भूल गए, जैसे क्वेश्चन पेपर डाला सब सेक्शन गए तो हमको तो पता ही नहीं उसमें क्या पूछ रहा है, तो वो पार्ट भी होगा। बट उतना आपको प्रिपेयर होना भी पड़ेगा, एंड सी आफ्टर प्रोफेशनल यू हैव दैट मच अलर्टनेस कि वो क्या पूछेगा, तो हमको घुमा फिरा के बताना पड़ता है, बहुत आंसर शीट लिखे हैं, बहुत फेंक के आए हम, तो कुछ भी पूछा तो घुमा फिरा के तो उसको बताना ही पड़ेगा वो क्या पूछ रहा है, तो वो एक पार्ट आता है। देन टेक्निकल राउंड हुआ मेरा अराउंड एक हाफ एन आवर का, उसमें लिटिल बिट फेमा, आरबीआई इतना नहीं था, एमसीए एंड सेबी, इसके कुछ प्रोविजंस पूछे कि जैसा मैंने बोला कि प्राइवेट लिमिट बींग लिस्टेड वी नीड टू एक्वायर अ प्राइवेट, वी नीड टू एक्वायर अ ग्रुप, फिर व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन इन फेमा, क्योंकि हम एक एमएनसी है, वी वर्क इन फॉरेक्स ऑल्सो, तो नाउ यू हैव अप्लाइड टू एन एमएनसी, यू शुड नो एटलीस्ट बेसिक व्हाट इज करंट एंड व्हाट इज कैपिटल, ऐसा। फिर ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया तो क्या प्रोविजंस रहेंगे, क्या फॉर्म्स रहते हैं इनके, फॉर्म्स एक अलग ही तिगड़म है एक्सक्लूडिंग सेक्शन, वैसे ही हम सेक्शन लर्न नहीं करते, फॉर्म को तो भूल ही जाते कि क्या पूछ रहा है क्या बता रहा है, वो एक पार्ट रहता है। कुछ ना कुछ बेसिक फॉर्म्स याद रहेंगे, ऐसा भी होगा कि आपने जो फॉर्म्स याद किए सेम पेपर की तरह, आपने जो याद किया था वो छोड़ के सब पूछ लिया उसने, आपने सब चार्ज के इसके उसके डिपॉजिट के फॉर्म लर्न कर लिए, उसने कुछ तो और ही पूछ लिया कि भैया एमएसएमई का फॉर्म बताओ क्या है, नहीं पता भाई एमएसएमई का, एमएसएमई को तो वैसे ही इज्जत नहीं देते हम पढ़ाई में, हम कहाँ फॉर्म पूछ रहे हो मेरे को कॉर्पोरेट लिस्टेड प्राइवेट में ही हम इतना है, तुम ओपीसी एमएसएमई एनबीएफसी, निधि को तो भूल ही जाते हैं जैसे ही खत्म हुआ एग्जीक्यूटिव निधि भी चली गई तो नहीं है, लेकिन वो पूछ लेते कभी कभी। इसलिए मैं कहता हूँ कि व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग ना लिस्टेड में, तो एक बहुत सही उसका प्रोविजन होता है, उनके एनुअल रिपोर्ट गो थ्रू कर लो, गो थ्रू करना पढ़ना नहीं कि वो क्या करते हैं, बस गो थ्रू कर लो, और उनका बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पार्ट, डायरेक्टर्स पार्ट, गवर्नेंस पार्ट, कंप्लायंस पार्ट, क्या करते हैं, अब इतना पता है कि साल में 4 मीटिंग करते हैं, वो एनुअल रिपोर्ट में लिखते हैं कि हमने 4 किया है, और उसमें कुछ कुछ लोगों का नाम पता चल जाता है कि कौन है उनका हेड सीएस, कौन है उनका चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, कौन है, किस डेजिग्नेशन पे वो काम करते हैं, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट्स में मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स होते हैं जो हमको कंप्लाई करने पड़ते हैं, तो उनके नाम पता चल जाते हैं। अब ऐसे भी केसेस होते हैं कि जो चीफ सीएस है और जो हेड सीएस है वो इंटरव्यू नहीं लेंगे, लेकिन वो पूछ लेंगे कि हमारे हेड सीएस का नाम क्या है, आपको पूछ लेंगे हमारे एमडी का नाम क्या है, हमारे पास कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। अब ये क्योंकि वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है ना, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उतने अलर्ट है, उनकी एनुअल रिपोर्ट देख के आए, तो इन केस समथिंग पब्लिक डेटा इज, जैसे मैंने फॉर्म्स में भी कहा, जस्ट गो थ्रू देयर वेबसाइट, वो बताएंगे उनके पास कौन कौन क्लाइंट्स है, तो एक जनरल आ जाए कि फेंकना भी होगा तो सेंसिबल फेंकना होगा ना, और इतने पेपर देके आए हैं तो सेंसिबली फेंको कुछ भी मत फेंको
तो लिस्टेड में थे ऐसा कि आप उतने अलर्ट हैं, क्या करते हैं कैसे करते हैं. तो ये हाफ एन आवर का एक टेक्निकल था जो जनरल थे. उसके बाद दे टुक सम वन और दे ब्लेटेंटली टेल यू कि वी विल गेट बैक टू यू. अब वो कितना आते कितना नहीं आते वो उस इंटरव्यू पे उन पे इंटरनल डिस्कशन पे फ़र्क पड़ता है. थर्ड राउंड वॉज विथ हेड सी एस, जो लिस्टेड कंपनी के हेड सी एस थे उनके साथ था. अब वो सॉर्ट ऑफ एच आर जैसा लगता है बट वो नहीं है. अब वो लगेगा कि अभी तो एच आर ही बाकी है भैया, सब तो हो गया, टेक्निकल पूछ लिया, नॉन टेक्निकल पूछ लिया, रिलोकेट होंगे, हाँ होंगे, नहीं होंगे, यही पे है, सब कुछ हो गया, नाउ वॉट ही विल आस्क. तो वो उनका एक्सपीरियंस करके ये करके ही हैज़ हिज नेम इन एनुअल रिपोर्ट और एम सी ए पे भी उनका होता है बिकॉज इज अ सी एस ऑफ अ कंपनी एंड इज अ के एम पी. तो एम सी ए के डेटा पे भी आप कोई भी कंपनी का नाम डालो आ जाएगा. सो वो पूछते हैं दैट हाउ डू यू कम्युनिकेट, हमारी इतने लोगों की टीम है, आप कैसे अकोमोडेट करते हैं, पढ़ाई के अलावा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं. अब सेबिनिक के वेबसाइट पे तो आ गया कि ये चाहिए, लेकिन इसके अलावा अगर आपने मैंने आपको बोला कि एक नहीं नहीं सेबी का नहीं चाहिए, किसी और ने लिखा होगा तो वो बताओ, तो वो हम कहाँ से लेते हैं. दे आस्क यू दिस क्वेश्चन एटलीस्ट इन लिस्टेड और इन गुड फॉर्म्स. तो आपको पढ़ना होगा तो कहाँ से पढ़ना, नॉलेज चाहिए तो कहाँ से, डू यू रीड न्यूज़पेपर, ये भी पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं तो कौन सा पढ़ते हैं वो भी. तो आप नहीं पढ़ रहे तो आप बता दो फ्रेंकली, क्योंकि अगर वो सामने वाला पढ़ रहा होगा ना वो आपको कभी ज़िंदगी में पढ़ने ही नहीं देगा. तो अगर आप नहीं पढ़ रहे तो बोले कि नहीं सर मैं नहीं पढ़ता, मैं ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, पर उसके कुछ रिलेटेड आ गया, कुछ इशू कर दिया, कुछ उन्होंने बताया ये है वो है, तो ऑनलाइन पढ़ता हूँ. अब बोल दिया हाँ सर इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं, वो पूछ लेगा इकोनॉमिक टाइम्स क्योंकि वो इंसान रोज पढ़ता है. बोलता है हाँ दो दिन पहले ये आर्टिकल आया था, आपका क्या ओपिनियन है, आर्टिकल आया था कब आया था, तो दिखाई नहीं. नहीं सर वो पेज स्किप हो गया, नहीं बोल सकते उसको. उसी पेज पे चाय गिर गई, पानी गिर गया, नहीं बता सकते उसको. बाहर रखा था पेपर चला गया, उसी दिन का गया. नहीं बोल सकते उसको. तो अब ब्लेटेंटली ऑनेस्टली बताओ कि नहीं पढ़ते सर, लेकिन अब उसने पूछा है कि आप क्या पढ़ते हैं बुक्स के अलावा, तो कुछ तो बताना पड़ेगा ना. ऐसा अब दिखने में अच्छा नहीं दिखता एथिकली कि नहीं सर कुछ नहीं पढ़ते बस बुक्स पढ़ते हैं, वो भी नहीं समझ रहा पर पढ़ रहे हैं. लेकिन बताना पड़ेगा. तो देन आपको घुमा के उसको दिखाना पड़ेगा, सर आर्टिकल्स ऑनलाइन पढ़ते हैं, कुछ वेबसाइट्स के थ्रू पढ़ते हैं, ये इस पे आता है उस पे आता है, लिंक्डइन पे पढ़ते हैं, कुछ तो बताओ. तो इतना टेस्ट नहीं करेगा, लेकिन कुछ तो टैकल, यू नीड टू टैकल दैट क्वेश्चन इन केस देर इज़ नो डायरेक्ट आंसर टू इट. अब उन्होंने मेरे को ये भी पूछा था सो कि कॉरपोरेट व्हाट इज़ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. तो मैंने कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग बताया था. तो मैंने देखिए ठीक है टेक ओवर में क्या होता है, इफ़ यू आर इन कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग टेक ओवर में क्या होता है, आई बी सी इतना हाइप पे है तो. और वो जनरल पूछते हैं. अब आई बी सी एक ऐसा चीज़ है कि दे वुड आस्क यू व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन आई बी सी, इट इज़ अ जनरेटेड कोड फ्रॉम 2016, इट इज़ देयर 7-8 साल हो गए, इट इज़ स्टिल इवॉल्विंग, बट दे वुड स्टिल आस्क यू बींग अ ट्रेनर दैट व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस. दे आस्क जितना आपने पढ़ा है पता है इधर उधर से गैदर किया है, यू नीड टू कोलेक्ट एंड गिव टू हिम, सर ये है और अच्छा हो सकता है, यहाँ पे टाइमलाइन बहुत ज़्यादा है, बहुत अपील्स में जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, बाय बाय पे आपका क्या है, टेक ओवर पे क्या है. दे वुड आस्क आई पी ओ निकालना बहुत ही रिगरस प्रोसेस है, तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है, हमको लिस्ट करना, हमको एक और कंपनी को लिस्ट करना है तो जनरल प्रोसेस क्या है, ये है वो है, बस अपडेटेड रहो. मतलब व्हाट यू से अभी बाय बैक चेंज हुआ है, अब सामने वाले ने बाय बैक पूछ लिया तो ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ लर्न ही होना चाहिए, सर ये चेंज हो गया वो चेंज हो गया ये हो गया वो हो गया, नहीं. बट एटलीस्ट सर एज फार एज आई नो दिस इज़ देयर, रिसेंटली इट वॉज चेंज और अमेंडेड टू रिड्यूस द जनरल टाइमलाइन. अब एक सेंटेंस सेबी ने भी बताया होगा कि अगर कोई भी प्रोसेस 10 दिन का है हमको उसको 5 दिन पे लाना है, तो बस उतना याद रखो सफिशियंट है कि सर चेंज हुआ है, टाइमलाइन चेंज हुआ है, जनरल यही है कि उनको 10 दिन से 5 दिन में एक कंप्लायंस लाना है, ये उनको करना है. इन डिटेल नहीं भी पता होगा. आप कंपनी में भी जाओगे आपको बहुत चीज़ें बहुत बार खोलनी पड़ती है, दे हैव देयर बेयर एक्ट्स एंड एवरीथिंग, तो वो एक पार्ट आ जाता है. इंटरव्यू आप बहुत जगह दो, और मैं तो कहता हूँ कि रिजेक्शंस हो गए तो वो आपको बताते भी हैं, वेरी सर्टेन पीपल दैट वी हैव केम टू नो और व्हाट वी सी इज़ यू आर नॉट कम्फर्टेबल इन दिस पार्ट, बट द पोजिशन इज़ फॉर दिस पार्ट ओनली, वी आर लुकिंग फॉर द पर्सन हु इज़ वेरी कम्फर्टेबल इन ईसॉप. अब वो ईसॉप के रेगुलेशंस पूछ लेगा, अभी एक डेढ़ साल पहले वो अमेंड हो गए, तो वो पूछ लेगा उस पर कि हमको तो ईसॉप के लिए चाहिए ना इंसान, नाउ यू बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी यू नो ईसॉप, लेकिन आप ईसॉप आंसर नहीं कर पाए तो बोलेगा कि सर मैडम वी आर लुकिंग फॉर एन ईसॉप, वी हैव अदर पीपल वर्किंग बट राइट नाउ द वैकेंसी इज फॉर ईसॉप. अब ईसॉप नहीं आंसर कर पाए तो वो नहीं क्रैक होगा फिर इंटरव्यू, वो अच्छी कंपनी थी हमको भी सही था, हमारे ही घर के बाजू में थी, ये थी वो थी, पर चला जाएगा वो चांस. सो समटाइम्स दिस ऑल्सो हैपेंस, दीज थिंग्स, दीज आर द आउटकम्स. जोड़ नहीं लेने का सब चीज़ें चलती हैं,
जनरली एक ड्रीम कंपनी रखनी नहीं चाहिए आइडियली, बिकॉज ये कॉलेज का कैंपस प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पे कैसे यू टू गो फॉर इंटर्नशिप ना, तो ड्रीम कंपनी ऐसा सोच के गए तो फिर क्या होता है कि एक दो में तो रिजेक्ट हो ही जाता है, तो इतना लोड नहीं लेने का, मस्ती से रहने का, अपनी प्रेफरेंस जरूर रखनी चाहिए, बट ऐसा ड्रीम कंपनी नहीं। अब गुंडे कोई और सवाल पूछ सकते हो, पूछना चाहते हो पूछो। यस रुको, प्लान था 20 मिनट का सेशन, एक घंटे का लेक्चर, अब हो चुका है एक घंटे का सेशन, पर 20 मिनट का लेक्चर लेना चाहूंगा, ठीक है ना? तो गुंडो समरी में करो आप जो भी सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है? यस मैम। Like you said that you have to be honest and sometimes it works in your favor and sometimes it would not. But like you said in technical rounds they question you related to what you have read, right? So there might be chances that a candidate won't be able to answer all the questions, or at least say 60% questions he's not answering only. But on the other hand, the candidate also has a good soft skills like communication skills, and he's tackling the situation very well and he's trying to make up for it. So will that also count? Yes. Situation handling would count. That would be count. See, the scenario is similar to an examination. Question aaya, पता है पूरा आता है हमको, दो ढाई पेज दे दी कथा पूरी, ये है वो है ये है वो है, सब झाड़ दिया उसमें जितना साल भर में मेहनत किया था। अब नहीं आता तो टैकल भी तो करना पड़ेगा। फिर व्हेन यू राइट आंसर शीट, इवन ही वुड कम अप विद अ सेशन 1 मंथ अगो और 1.5 मंथ अगो हाउ टू राइट आंसर शीट, देन वे ऑफ प्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट, ये वो, ये सब फैक्टर्स हम देखते हैं एग्जामिनेशन में। वहाँ पे तो आपको सिर्फ बोलना ही है, आपका वही एक वेपन है टू टैकल दोज थिंग्स। तो हाउ यू टैकल, इवन इन केस यू डोंट नो, दे माइट कंसिडर, और वो डिपेंड करता है सामने की पर्सनैलिटी पे भी। अगर उसने कहा कि यस द कैंडिडेट डजेंट नोज वॉट एग्जैक्टली, बट दे आर ट्राइंग टू कम अप विद द आंसर, सम अप विद सर्टन थिंग्स, वोकैबुलरी अच्छी थी, स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस दिख रहा था कि हम इधर उधर घुमा के बोल रहे हैं बट कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं, दे वुड कंसिडर यू। बट इट इज़ वेरी पर्सन टू पर्सन, इवन इफ यू राइट। अब चेकर का भी वैसा ही है, आप बहुत ज़्यादा फ्लो चार्ट दे दो, किसी चेकर को बहुत अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, बट यू ट्राइड योर बेस्ट टू कवर अप। लेकिन आपको बाद में पता होगा कि दिस क्वेश्चन आई डिड नॉट आंसर, बट इट वॉज देयर, बट समहाउ ऐड टू सम फ्रॉम अदर थिंग्स। अब आपने जो एक चांस लिया कि थ्रू स्किल्स, थ्रू कॉन्फिडेंस, थ्रू बॉडी लैंग्वेज, थ्रू द सेंस ऑफ स्पीकिंग, यू टैकल्ड इट, तो हो सकता है आपका चांस हो भी जाए। और मैंने भी 2-3 क्वेश्चन थे जो नहीं दिए, मेरे को एग्जैक्टली क्वेश्चन आने, बट इट वॉज नॉट, अगर उन्होंने 10 क्वेश्चन पूछे तो मैंने 6-7 आंसर किए होंगे। ऐसा भी किसी केस में सिर्फ 3-4 ही आंसर करें, बट दे माइट consider you in case they think that ठीक है हम इसको सिखा सकते हैं, we can nourish this candidate because he has that learning ability, he has that, he is asking some questions। और जब वो कहे कि do you have any questions for us, कुछ मत पूछो, एका तो पूछ ही लो, उनको बस ये लगता है कि at least he has some questions or is concerned about what he is joining or what he is about to join, वो पूछते हैं कि आपको कोई questions है क्या हमारे इसके बारे में। तो मैंने यही पूछा था कि ट्रेनिंग इज ऑफ 21 मंथ्स, सो व्हाट इज द चांसेस और प्रोबेबिलिटी, और डू यू इवन कंसिडर कंटिन्यूइंग दैट कैंडिडेट एज एन एम्प्लॉय ऑल्सो 21 के बाद। अब बहुत म्यूचुअल तो होता है कि हमको कंपनी पसंद आ गई, हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उनको हम पसंद आ गए, वो हमको कंटिन्यू कर रहे हैं, उस टाइम पे वो एक एम्प्लॉय को अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज सी एम्प्लॉय कम्स विद ऑल दोज थिंग्स, बेनिफिट्स, दिस दैट, लीव, सैलरी, ग्रेचुएटी, ये पेमेंट, एचआर विचारे, सब उसमें आ जाता है। तो बहुत ही प्रोबेबिलिटीज पे है, बट मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया था, और मैं ये एक ही पूछता था कि नाउ दैट अप्लाइंग फॉर 21 मंथ्स, विल यू कंटिन्यू मी इन केस एवरीथिंग मैचेस, आई ऑल्सो वॉन्ट विश टू कंटिन्यू, यू विश टू कंटिन्यू मी, देर इज अ वैकेंसी, तो एक हाथ पूछ लो, अगर आपको कुछ और भी मिलता है यू कैन आस्क दैट ऑल्सो। अब मैंने विप्रो के जो टेक्निकल था उसमें ये पूछा था कि यू बींग एन MNC हाउ डू यू कंप्लाई विद फॉरन लॉस, मैंने उनको ये पूछा था कि आप तो इंडिया में हैं, हम इंडिया में हैं, पर आपसे तो 50-60% कंपनीज बाहर भी है, देन हाउ डू वी कंप्लाई विद दोज लॉस। तो वहाँ पे दे सेड दैट वी हैव सम कंसल्टेंट, सम वी डू इन हाउस ओनली, कुछ फाइलिंग्स होते हैं, कुछ पेपर वर्क होता है, कुछ ड्राफ्टिंग होता है, वो सब इन हाउस करते हैं, कुछ वही का पर्टिकुलर चाहिए, देन वी हायर अ कंसल्टेंट फ्रॉम देयर। तो दिस बींग एन MNC आई हैड आस्क्ड दिस इन टेक्निकल, और 21 मंथ्स के बाद आप कंटिन्यू करेंगे क्या, दिस आई हैड आस्क्ड विद देयर हेड CS, जब उन्होंने पूछा था डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी। तो एक हाथ कभी कभी पूछ लेना चाहिए। अब टेक्निकल में मैंने ये इसलिए पूछा था क्योंकि अब वो बोले कि हम इसको कंप्लायंस में ले रहे हैं, तो फिर मैंने कंप्लायंस रिलेटेड पूछ लिया कि हाउ डू यू कंप्लाई, क्योंकि अब मेरे को हायर करेंगे तो मेरे को भी पता होना चाहिए ना कि आप US लॉ से कैसे कंप्लाई करते हैं, क्योंकि हम इंडियन लॉ सीख रहे हैं और हम सब कुछ इंडिया के परस्पेक्टिव से सीखते हैं, लेकिन वहाँ के परस्पेक्टिव अलग होते हैं। नाउ US में द थिंग इज इट्स अ यूनाइटेड स्टेट्स, सो ईच स्टेट हैज़ अ डिफरेंट लॉ उनके हिसाब से, देन हाउ डू यू कंप्लाई, इतना बड़ा मार्केट है, यूरोप है, एशिया पैसिफिक है, जापान है, ये है अपकमिंग इकोनॉमीज है, देन हाउ डू यू कंप्लाई विद दोस। टेक्निकल में आई हैड आस्क्ड दैट वन,
सो दिस इज हाउ, एक हद तो पूछ ही लो, बस उसको लगता है कि सामने वाला जगा हुआ है, सोया नहीं है, और उसको कुछ तो क्यूरियोसिटी है हमारे लिए भी, बस आप इन जनरल पूछ सकते हैं उनको। फुल माहौल वही है, गए हैं शादी की बात करने के लिए, एंड में पूछा जाएगा आपके कुछ सवाल है क्या, रेलेवेंट नहीं है, पर पूछ लो। चलो तो कोई और चीज किसके दिल से बात है। After class or something? नहीं, अभी आपके इसके बाद में मैं कुछ पढ़ाने वाला हूँ, बोल सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है सर। Then I'll give you the exact ID what LinkedIn has generated for me. So internet connectivity. हाँ, नहीं संघर्ष, no problem. I'll definitely I'll give you sir so you can give it to. That works. हाँ, actually मैं ग्रुप पे शेयर कर देगा। हाँ, बढ़िया, 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 बढ़िया। रेज्यूमे भी शेयर करा दूं। ये एक और परेशानी नहीं, पता है मेरे पास समय कम है, मेरे को भी यहाँ पर रुकना पड़ेगा, कोई बात नहीं, दो चीजें बताएगा। एक तो रेज्यूमे का एक दो इंस्टेंसेस बता रहा हूँ। तो देयर वाज अ टाइम, सो देन अ पर्सन शेयर्ड हिज रेज्यूमे एंड अदर्स, देयर वर से अ बंच ऑफ सिक्स गाइस एंड से द पर्सन वाज वर्किंग इन पीडब्ल्यूसी और उसके छह दोस्त थे, सीए बने थे नए, और उनको पीडब्ल्यूसी में अप्लाई करना था, तो उसने कहा सीवी तेरा ही भेज दे, उसने उसका सीवी भेज दिया, इन्होंने उसके सीवी में ही कट शॉर्ट करके कर दिया सब कुछ से। नहीं देखो कैसा है, अपने अपने परसेंटेज वगैरह तो चेंज करते, इतने गधे नहीं है, ठीक है ना। हॉबीज सेम, सबको हॉर्स राइडिंग पसंद है, तो कभी कभी ये फद्दूपंती हो जाती है। तो जनरली क्या करो, सीवी किसी का भी देखते हो, बट कभी भी उसके अंदर एडिट करके मत जाओ, अपने हिसाब से बनाओ। ऐसा करियर ऑब्जेक्टिव करके सीवी शुरुआत होती है ना, एकदम ही हवा में फिकी हुई बात होती है, तो कम से कम अपन उसको मुंह से बोल तो पाए, ऐसा लिखो, ऐसा कॉपी कर लिया आपने किसी सीईओ का, अब उसके आप बोल नहीं पा रहे हो, तो ऐसा मत बनाओ, तो रीजनेबल बनाओ। द सेकंड इंस्टेंस इज पीडब्ल्यूसी का ये इंस्टेंस है, उसके अंदर सो द पर्सन यूज्ड टू टेक इंटरव्यू, जो मेन फाइनल इंटरव्यू होता था पार्टनर, ही वाज अ बिग टाइम फुटबॉल फैन, सो द गाय सजेस्टेड कि सीवी के अंदर क्या कर, अपने उसके अंदर फुटबॉल लिख दे, वो 100% पूछेगा, क्योंकि फुटबॉल फैन ऐसा है, मतलब वो मैच है, मतलब वो छोड़ देगा सबको जो मैच देखने जाएगा ऐसा। तो उसने चेंज कर दिया, अब उसको फुटबॉल का पता नहीं था, उसने सब्जेक्ट छोड़ो, उसने दो दिन फुटबॉल के बारे में पढ़ा, फेवरेट प्लेयर कौन है ये, एंड स्पॉट ऑन इंटरव्यू हुआ, उसने क्या क्या पसंद है उसका, फुटबॉल, फुटबॉल, वी वॉच फुटबॉल, ये सभी कल के मैच, सो हाफ ऑफ द टाइम ऑफ द इंटरव्यू वो फुटबॉल डिस्कस की एंड द पर्सन गॉट इट। सो द पॉइंट हियर इज कि एट टाइम्स इट्स नॉट एग्जैक्टली हाउ यू थिंक, मतलब इट्स एग्जैक्टली लाइक यू मीटिंग अ पर्सन, एक व्यक्ति से आप मिल रहे हो एंड उसके हाथ में आपको लेना ही नहीं लेना, तो इसका कोई भी करेक्ट रोड मैप हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग है ना। सो आपको बस ऑड्स के हिसाब से सही तरीके से जाना है कि सब्जेक्ट मैटर अच्छा है, और एक रीजनेबल चीज देखिए समरी में, सीवी में जो भी लिखा है पता होना चाहिए, एक सिंपल समरी, कि आप सीवी में जो चीज लिखा है वो नहीं बता पा रहे हो, तो उसका एक इंप्रेशन नहीं जाता है कि ये व्यक्ति तो फेक है, मतलब ये पेपर रिप्रेजेंट नहीं करता इसको, तो वो नहीं लेगा, फिर आप आंसर देते हो नहीं देते हो, इसे तो बात की बात हुई, बट एटलीस्ट सीवी में लिखा हुआ कंटेंट आपको आना ही चाहिए। सीवी में लिखा हुआ कंटेंट अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे, दैट्स अ बिग नो, जॉब नहीं मिलेगा। टेक्निकल क्वेश्चन आंसर करोगे या नहीं करोगे वो सब तो बात की बात है, कुछ लोगों को टेक्निकल क्वेश्चन आंसर नहीं करने पे भी जॉब मिलता है, बहुत नॉर्मल है कि आप गए बाई बैक में चार क्वेश्चन पूछे, चारों नहीं बता पाए, पर योर पर्सनालिटी वाज गुड, यू कैन गेट द जॉब, जो आपका मेन क्वेश्चन था, ये पॉसिबल है, बट सीवी में झूठ बोलने के बाद तो जॉब नहीं मिलने वाला, बिकॉज उनके हिसाब से यू फेकिंग एंटायरली ऐसा। तो सीवी पे जो लिखा है वो पता करके जाओ, और बाकी तो क्या है, द क्वेश्चंस वुड नेवर एंड, ऐसा है। तो इट इज जस्ट कि सेशन का एंटायर पर्पस वाज दैट यू गेट अ फेयर इनसाइट, ऐसा। और एक और सेशन, मतलब इसका पार्ट टू सोचा था उसको, एक्चुअली वो बाहुबली की तरह पार्ट टू ही आएगा उसका, ठीक है, यहाँ नहीं हो रहा है ये पार्ट टू आज। तो यू गॉट अ फेयर इनसाइट कि आखिर स्टेप बाय स्टेप करना कैसा है, आपके दिमाग में चीजों के बारे में सोचो जब आप फ्री रहते हो, एंड इफ एट ऑल यू हैव फर्दर क्वेश्चंस आल्सो ना, उसको कहीं पेन पेपर पे लिख लिया करो, क्योंकि जीवन में कभी कभी मौका मिलता रहेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा, तो तब क्वेश्चंस कम से कम आपके फॉर्म्ड अप तो होने चाहिए। इफ यू हैव नाइसली फॉर्म्ड अप क्वेश्चंस, तो जब कोई भी व्यक्ति मिलता है आपको, आज ये मिले कल कोई भी ऐसा व्यक्ति मिल रहा है, तो उससे आप वो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ सकते हो, व्हेन यू हैव स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। तो व्हेनेवर यू आर थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन, क्वेश्चंस आता है अपने बुक के एंड में, क्वेश्चंस लिख के रख लो, इट कुड बी एनीथिंग, मतलब इट कुड बी एनीथिंग, एक्चुअली कोई क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं होता, यू नेवर नो कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। तो आई होप मजा आया होगा, कुछ चीजें सीखने को मिली होगी, राइट? तो बस ऑर्गेनाइज करो, सही दिशा में सोचो, सही तरीके से एफर्ट्स लो, एंड आई थिंक एक बेस्ट एग्जाम्पल तो इनके आने से बहुत अच्छी चीज हो जाती है कि एक मिथ ब्रेकिंग होती है। मिथ ब्रेकिंग ये होती है कि अगर मान लो कभी भी, मतलब सिर्फ रैंकर्स ही नहीं जाते हैं, सबसे बड़ी चीज तो क्या है कि मतलब ये वीडियो देखेंगे आप लोगों से बहुत लोग रैंकर होंगे भी सही, तो ये नेगेटिव नहीं, ये नहीं सोचना रैंकर तो अपन नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि रैंकर कोई अच्छी इंटर्नशिप मिलती है, ऐसा तो है ही नहीं, तो ये तो बड़ा ही मिथ है
सेम लॉजिक, इतनी कंपनीज इतने रैंक करी नहीं है ना, तो अच्छी फर्म आर्टिकल से मिलने वाली है रैंक नहीं। दूसरी चीज काम करने का, अच्छे से एग्जाम क्लियर करने का, सब चीजें जो पढ़ रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज तरीके से करने का, थॉट्स को क्लियरली कम्युनिकेट करने का सामने वाले को, एंड आई थिंक एवरीथिंग एल्स विल फॉलो इन प्लेस। ऐसा ठीक है गुंडो? यस सर। चलो यार थैंक यू बोलो, क्या बच्चे हो क्या? सर जाने से पहले दो मिनट और लूंगा, माफी चाहूंगा। बिल्कुल, जो भी जिस सेशन था है ये, हम ऐसे फील्ड में हम बहुत टेक्निकल 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 बातें करते रहते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इंटर्नशिप चाहिए, ये चाहिए, एग्जामिनेशन चाहिए, पेपर चाहिए, सेट दे दो, 5 साल का ये दे दो, वो दे दो, गाइड दे दो, सर के 10-12 बुक्स ही दे दो, सर आप चलोगे पेपर देने आप भी चल लो। बहुत चीज़ें रहती हैं, इसके अलावा भी बाहर बहुत लाइफ है, बहुत कुछ सीखना है। आप लाखों करोड़, इतना बड़ा आबादी का खुद का ही देश है, बहुत लोगों के एम्बिशन देश के बाहर भी जाएंगे, आप बहुत लोगों से मिलोगे। तो अभी एक सजेशन है जो मेरा ओपिनियन था, विच हेल्प मी थ्रू दिस जर्नी टू कंप्लीट दिस इन वॉट एवर टाइम लाइन। मैं खुद बोलता हूँ, मेरे को एग्जीक्यूटिव में आई हैव फ्लंक्ड वंस, देन अनदर टाइम आई क्लियर, प्रोफेशनल में आई फ्लंक्ड वंस, देन अनदर टाइम आई क्लियर, सो दोनों जगह एक एक बार आई हैव फ्लंक्ड। बहुत लोग बहुत ओपिनियन देते और बहुत देंगे भी, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिन्होंने जिंदगी में एक टेस्ट सीरीज नहीं दी है, सी एस हो गए, सी ए हो गए, सी एम ए हो गए, ये हो गया वो गया, दे हैव अचीव दोज थिंग्स, लेकिन इन द एंड इट इज़ दैट थिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट हाउ यू टैकल इट। अगर वो कह रहा है कि मैंने बिना टेस्ट सीरीज के दिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसका आंसर शीट अलग होगा, क्योंकि तभी वो पास हुआ है। टेस्ट सीरीज इज अ फिल्ट्रेशन टेक्निक, दिस इज रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिडक्शन वी आर डूइंग। तो अब आप किसका ओपिनियन मानोगे, बट गिविंग अ टेस्ट सीरीज इज 60-70% मोर अ बिट इंक्लाइंड कि ये मेरा रिस्क रिड्यूस कर देगा फेलियर का। अब जिसने टेस्ट सीरीज नहीं दी उसने बहुत बड़ा चांस ले लिया कि मैं बिना टेस्ट सीरीज के पास हो के दिखाऊंगा। और कुछ कुछ लोग होते हैं, ये जिद्दी लोग होते हैं, ये ना नेगेटिव मोटिवेशन को खुद का मोटिवेशन बनाते हैं कि अरे कोई आए मेरे को फेल करके दिखाए, मैं होंगे ही नहीं फेल, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, एक साल आइसोलेट हो गए पूरे अंदर, पता नहीं कौन सी गुफा में जाके पढ़ रहे थे पर पढ़ रहे थे। तो मिल जाएंगे आपको ऐसे लोग, और ऐसे भी मिल जाएंगे जो सोशली भी उतने ही इन्वॉल्व हैं, एक्टिव हैं, और एकेडमिकली भी। दिस जर्नी टेक्स अ लॉट ऑफ अवर टाइम एंड एफर्ट्स, एंड टेस्ट आवर पेशेंस एंड एवरीथिंग, यू हैव टू हैव दिस थिंग इन द एंड। सोते वक्त इन केस अगर आपको गिल्ट नहीं है कि आज ये ख़त्म करना था और ये नहीं हुआ, तो वो गिल्ट बढ़ता जाएगा। हैव वेरी वेरी शॉर्ट टर्म्स एंड लिटिल गोल्स कि शाम को पार्टी है और अगर आपको जाना है तो पार्टी के आने के बाद पढ़ो, पार्टी के पहले पढ़ो, सुबह 4 घंटा जल्दी उठ के पढ़ लो, क्योंकि उस दिन सोने के पहले या सोने के बाद अगर आपको गिल्ट रहा कि यार पार्टी में नहीं जाना चाहिए था, तो यह ना ये 2 चैप्टर हो जाते, तो खाता रहता है चीज़। अब दोनों टाइप के लोग हैं, पार्टी में गए भी और नहीं गए भी, अगर नहीं गए वाला पास हो जाता तो अपने को लगता है भाई नहीं जाना चाहिए था, पढ़ लेते अगले साल पार्टी में जाते, लेकिन पास तो हो जाते, उसका 6 महीना बच गया। ऐसे हैं जो पार्टी में जा रहे और हम घर पे बैठे हैं, अब यार ये तो जाके पास हो रहा है तो मैं तो वैसे ही कर सकता हूँ, या कर लेता ना, अगर ये कर सकता तो मैं भी कर लेता है, कर लेती इसमें। तो मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि शॉर्ट टर्म गोल्स करके बी दैट सोशली प्रेजेंट और एक्टिव ऑल्सो, आजू बाजू क्या चल रहा है, क्या लोग हैं, क्या पॉलिटिकल सिनारियोज है, ये आपको अभी नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में बाद में हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको कभी कभी ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे बहुत ज़्यादा हायर में है, एक्सपीरियंस है, यू नीड टू टॉक विद दोज पीपल, यू आर कम्युनिकेटिंग विद दोज पीपल, तो उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अलग होता है हम लोगों की चीज़ों से। तो सोशली थोड़ा बहुत नहीं तो सैटरडे संडे आप कुछ इंटरेस्टेड हो गए, 2-4 घंटा निकाल के घूम लो, फैमिली के साथ चले गए, फ्रेंड्स के साथ चले गए। अब कोई कोई बहुत मूवी लवर्स होते हैं, वो हर एक मूवी ही देखते हैं, कोई भी मूवी है वो देखते ही है, फिर कितनी भी घटिया हो, पर व्हाट दे विल डू, वो 2-3 घंटे निकालेंगे, पूरा हफ्ता भर जीजन लगा के पढ़ेंगे, लेकिन वो 3 घंटे ना फ्रीली मूवी देखेंगे, और आने के बाद उनको ये गिल्ट नहीं होता कि भाई टाइम पास हो गया 4 घंटे का। तो बस उस गिल्ट में ना रहे, पेपर के बाद गिल्ट होगा, बाद में होगा, अभी होगा, बहुत होगा, गिरेंगे पढ़ेंगे, लेकिन वो रहता तो बस है। ये बहुत ही वाहियात डायलेमा, सुबह उठ के पढ़े या रात को पढ़े, अब सर के सामने ये नहीं बोल सकता रात को पढ़े, देखिए रनज हो रहे हैं मतलब, पर चलो मैं ही नहीं दिख रहा कैंपस में। लेकिन मैं कंफर्टेबली, मैं सुबह नहीं पढ़ता था, मैं रात को जग के पढ़ता था, अब कितना भी जगा लो मैं पूरी रात जग जाऊँगा, बस सुबह उठने को मत बोलो। और ये मिथ घर वालों को कन्विंस करने के लिए एग्जीक्यूटिव पास करना पड़ा कि सुबह उठ के नहीं, ठीक है कुछ तो कर सकता है ये, जब रात को बोलता है पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, जो भी कर रहा है पढ़ रहा है या पास कर रहा है। तो घर वालों का भी रहता है कि नहीं नहीं वो उस ख्याल से है कि आप सुबह ही उठ के पढ़ो, सुबह उठ के ही पढ़ाई होती है। अरे नहीं पूती भैया,
दूध वाला दिखता है सिर्फ क्या बाहर मोटिवेशन रहेगा, सब खिड़की लगा के दो दो पर्दे लगा के सोए और हम दूध वाला भैया दो लीटर नहीं होगा वो। लेकिन फिर वही प्रोबेबिलिटी, कोई सुबह उठ के पास हो रहा है, कोई रात को पास हो रहा है, वो हमेशा रहेगा, कुछ ना कुछ आते रहेगा। आप कभी टेस्ट सीरीज, बिना टेस्ट सीरीज, सुबह उठ के रात को जग के कुछ ना कुछ आते रहेगा। यू हैव टू सी व्हाट वर्क्स ऑन यू। मेरे को भी एग्जीक्यूटिव में ये जाने के बाद, एटलीस्ट जाने के बाद पढ़ा कि मैं सुबह नहीं उठ सकता, क्योंकि रात को जगने लगा फिर धीरे धीरे पुश होने करना, समवेयर यू नीड टू पुश। ये जर्नी इतना भी नहीं है कि ना उठ रहे ना जग रहे ना कुछ कर रहे, बस उतना नहीं, क्योंकि उसका डिमांड वैसा नहीं है कोर्स का, उस जर्नी का, वो आपकी ताकत खींच लेता है। कुछ ना कुछ टेस्ट करते रहो, लेकिन टेस्टिंग का भी सही टाइम होना चाहिए, धीरे 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 धीरे। अब दिसंबर में आपका अटेम्प्ट है, अगस्त सितंबर में सिलेबस खत्म होगा, अब तब प्रॉब्लम ये है कि तब आपके पास मोटिवेशन नहीं रहेगा। अब आपको पता है क्लास का टाइमिंग है, तो इन सब्जेक्ट्स के लिए उठना है, जाना है, सर के सामने या मैम के सामने बैठना है, और वहाँ सो नहीं सकते, घर पे तो बुक खुली सो गए, ख़त्म, उसके बाद नहीं बचेगा कुछ। तो तब आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि आप सुबह उठ पा रहे हैं, नहीं उठ पा रहे, रात को जग पा रहे हैं, नहीं जग पा रहे। फिर वही कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो कब बना पाते, उसके भी टाइमिंग्स होते हैं, आप मानो या ना मानो। कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ दोपहर को ही नोट्स बनाते हैं, क्योंकि वो उनका नींद का टाइम है, तो वो गाने सुनते सुनते, ये सुनते सुनते, या कुछ ऐसा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ऐसा भी होता है, और वो रात को लेक्चर्स देखते हैं, सेल्फ स्टडी शाम को करते हैं, जहाँ पे सब जगह होते हैं। तो बहुत ट्रायल एंड एरर चलता है ओवरऑल द जर्नी, और दिस इज व्हाट ही सेड दैट इट यू नीड टू बी पेशेंट इन एवरीथिंग। तो वो बहुत ट्रायल एरर चलता रहेगा। वो एक अलग ही बात है कि आपके बैच में से आधे रह गए, आधे पास हो गए, वो अलग ही फंडा है। सेम क्लास, सेम बेंच, सेम बुक, सेम टीचर, एवरीथिंग सेम, सेंटर में भी आगे पीछे बैठे थे, छाप के भी नहीं हुए वो भी दिक्कत होगा। तो चीज़ें आती रहेंगी, यू हैव टू जस्ट बी पेशेंट और डटे रहना है। अब होगा कि बहुत लोग आपको मिलेंगे, नहीं भाई नहीं हो रहा सीएस, छोड़ दिया, ये भी मिलेंगे आपको। अब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन खुश रहो कि कॉम्पिटिशन कम हो गई अब ये तब होता है कि दे हैव लेफ्ट बट दे आर इनटू सम अदर थिंग। अब उनकी बैक स्टोरी है, उनकी कहानी हमको नहीं पता, व्हाई दे लेफ्ट। वन ऑफ माई फ्रेंड लेफ्ट बिकॉज वो फाइनेंशियली डिफिकल्टीज में था, सो ही हैड टू टेक अ जॉब, एंड वाइल टेकिंग द जॉब ही कुड नॉट डू, बट ही सेड कि करेंगे, कभी ना कभी तो करेंगे, इस मोमेंट पे नहीं कर पा रहे। कपल ऑफ डेज बैक, टू थ्री डेज बैक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेटा रिलीज किया कि कॉमर्स में लोग ही नहीं आ रहे, इतने साल से उतने ही 14% और समथिंग 13% है, साइंस और आर्ट्स बढ़ते ही जा रहे। शुक्र मनाओ कॉम्पिटिशन नहीं आ रही, खुश रहो। आधे से ज़्यादा लोगों को आप सी एस बोलते कौन से कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हो उनको सी एस ही नहीं पता। आप फिर हम, अरे आपको सीए पता है क्या, फिर उसके छोटे भाई, फिर हम नीचे, फिर उसके तरह, फिर वो अलग देखते हैं, हम अलग देखते हैं, वो एक्सेल में बैलेंस शीट देखते हैं, हम वहाँ कंप्लायंस देखते हैं, कंप्लायंस समझाना अलग पार्ट, रहन दो हम जाते हैं कंपनी में यहाँ काम करते, मान लिया। तो बहुत पार्ट है, और मैं फॉर्चुनेट मानता हूँ कि देखो, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अवेयर एंड अपलिफ्टिंग दिस कोर्स एंड मेक इट नोन टू द होल वर्ल्ड दैट व्हाट वी आर एंड व्हाट वी आर डूइंग उस मोमेंट पे। लेकिन कंपटीशन भी तो है ना आपके साथ, इंटरव्यू में और लोग रहेंगे, आपको आगे भी तो बढ़ना है ना। एनजीओ में थोड़ी काम कर रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं, आप भी चलो हम भी चल रहे हैं, तो रहेगा, आते जाते रहते हैं। वो पासिंग परसेंटेज निकालता है ICSI इन द फॉर्म ऑफ प्रेस रिलीज। अब आप देखेंगे कि कुछ कुछ इसमें बहुत है, अब पता नहीं सम हाउ इन ग्रुप थ्री हमेशा ही ज़्यादा होता है, हमेशा बिकॉज ऑफ दिस ओपन बुक फैक्टर्स और वॉट एवर फैक्टर्स दे हैव, वो ग्रुप थ्री में ज़्यादा होता है। लेकिन अब पेपर देने के बाद आपको ये फील ही नहीं आता, इतने कहाँ पास हो रहे हैं या पेपर नहीं लिख पा रहे ढंग से, लेकिन वो होता है। तो पासिंग परसेंटेज भी चेंज होते रहते हैं, एंड सम हाउ इट इज़ अ गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। दे वॉट एवर इज मार्केट में कितना डिमांड है, कितने पास हो रहे हैं, ये है वो है, मोनोपोली है, बहुत लोग यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, नहीं नहीं ये पास ही तो उनको करते हैं, इनको पता है कोटा क्या है, ये है, बहुत सारे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज उसमें आएंगे, बट यू हैव टू सम हाउ टैकल दैट एंड गो अहेड। एक मोमेंट के लिए मैं फॉर्चुनेट मानता हूँ कि सामने वाले इंसान को पता नहीं, मतलब ये तो सीएस नहीं है, ये बेटे को भी सीएस नहीं कराएगा तो भैया हम तो जा रहे हैं, जितने वैकेंसीज आ रहे हैं वहाँ हम ही हैं जितने हैं। बट पार्ट ये भी कि अवेयरनेस नहीं है उतना, सो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपलिफ्ट एंड टेक इट देयर। कि जितना सीए पता है, सीए बोलते हैं आज तक मेरे को कोई इंसान नहीं पता जिसको सीए नहीं पता, जिसको लॉयर नहीं पता, और ऐसा बहुत कम इंसान है जिनको सीएस पता है या वो क्या है। सो वी नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पार्ट एंड टेक टू देयर रीच टू देयर लेवल। कि बस सी एस बोले कि हाँ सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं आना चाहिए, तो वो एक चीज़ को तोड़ना है। बट इज़ वेरी 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 लॉन्ग टर्म गोल, बट इन द जर्नी यू विल एक्सपीरियंस दैट। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। बस
पोस्टर पहन के घूमू ऐसे चला गया था। नहीं नहीं बहुत अच्छा रहा। आई थिंक अब क्या आप क्या केसला पढ़ाऊंगा मैं आपको, पर कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्या करना है। अभी भागो, आई थिंक आपका लंच टाइम और थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया ना, भाग के जाओ, चिल करो। एंड नेक्स्ट लेक्चर कितनी बजे है? 2:45। ये भागो चलो तुम लोग, है ना? यस। नहीं 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 नहीं, चलो भागो यार। ठीक है, बात करते हैं बाकी। चलो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खूब खूब पढ़ो एंड खूब 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 आगे बढ़ो। एंड आई सिंसियरली होप कि सेशन काफी फ्रूटफुल रहा होगा, है ना? एक चीज करिएगा, जनरली आई पर्सनली डू इट एंड आई सजेस्ट एवरीवन टू डू इट, कि कहीं भी ऐसा कोई सेशन सेमिनार कुछ भी अटेंड करते हो तो उसके टेक अवेज लिख के रखो, बिकॉज वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से ज़ूप निकल जाएगा। तो जो जो टेक अवेज है वो लिख के रखो। कुछ आपके लिए मैंने पेन डाउन किया, ठीक है ना? तो ये मैं आप तक भिजवा दूंगा, आपके ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ये टेक अवेज रखो, बाकी इसके अलावा कोई भी चीज जो सीखी उसको लिख के रखो ताकि वो आगे याद रहेगी। चलो बाय, खेल को दैश करो, बाय। थैंक यू निनाद, थैंक यू सो मच।